आज एक नए भारत का जन्म हुआ है, एक अत्याधुनिक भारत, भारत के लिए एक नया सूर्योदय हुआ है। इन सबसे पहले एक ऐसे भारत का जन्म हुआ है जिसे वक्त की कद्र है। वक्त मूलता की पहचान है, वही अमूल्य है, वही आधार है और वही जान है। अच्छे नौजवान जिन्हें समाज के लिए कुछ कर गुजरने का विश्वास हो, ऐसे लोगों की तलाश आज हमारा देश कर रहा है। हमारे भारत देश का भविष्य आप ही के हाथों में है। आपके कदम दूसरों के लिए आदर्श बनने चाहिए। आप नौजवान जो हासिल कर चुके हैं, जो कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, ये देखकर हमारे इस कॉलेज को गर्व होगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। चलो, सेकंड रैंकर ऑफ द यूनिवर्सिटी इज राजेश, नाउ टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड गोल्ड मेडलिस्ट इज मिस्टर कार्तिक। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। Sir, can I say a few words? Oh, really? You want to? Yes, sir. Then go ahead. Thank you. You know, he is my son. He is really great, sir. Good evening, everybody. PG खत्म हो चुका है। न जाने कितनी यादें। टॉपर बनना। देखा जाए तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हमें यूं सिलेक्ट कर लें। अच्छी लग रही है ये दौड़। लेकिन एक बात कहूं, इस कॉलेज के बाहर एक ऐसी दुनिया है जो हमें हाथ पसारे बुला रही है। फिर भी हमारे दिल में एक छोटा सा डर है। अपने बचपन का स्कूल, उसके बाद ट्वेल्थ, उसके बाद ग्रेजुएशन, पीजी, ये सारी चीजें कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। बाद में नौकरी, सैलरी, बीवी और बच्चे, उसके बाद उनकी पढ़ाई, फिर उनकी शादी, फिर उनके बच्चे। द व्हील कीप्स गोइंग राउंड राउंड एंड राउंड। बट थैंक्स टू माई डैड जिन्होंने मुझे इस मैथ सर्कल से मुक्ति दिलाई। मैंने मेरे डैड से एक साल की हॉलीडे की बात की और वो जल्दी मान गए। सो बॉयज एंड गर्ल्स, please give a big round of applause to my dad. Thank you, dad. Congratulations. Thank you. Thank you. चलो चलते हैं। Congratulations, sir. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में? मैं भी वही समझ नहीं पा रहा हूँ डैड। मतलब इतने साल से जो तुमने पढ़ाई की, तुम्हारे ऊपर जो हमने इतने पैसे खर्च किए, जो सपने देखे, सब कुछ बर्बाद हो गए। पढ़ाई का क्या है डैड? बीइंग नॉलेजेबल इज मोर इम्पोर्टेंट। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? असाइनमेंट, मार्कशीट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सारी चीजें अहमियत नहीं रखती आदमी की काबिलियत पहचानने के लिए। वैसे ये आपको क्यों लगता है कि मैं जिंदगी के इस रेस में नाकामयाब रहूंगा? ये सब क्या है बेटा? अगर अच्छी नौकरी मिलती है तो करो, वरना अपने बिजनेस पर ध्यान दो, पर पापा को परेशान मत करो। एक मिनट रुको तो। कार्तिक, तुम चाहते क्या हो? मुझे एक साल छोड़ दीजिए डैड। मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, नई नई चीजों को समझना चाहता हूँ, अपनी सोच और नॉलेज को बढ़ाना चाहता हूँ डैड। मेरी ताकत, मेरी कमजोरी, मेरी सोच, इन सबको एनालाइज करना चाहता हूँ। जस्ट वन ईयर डैड, प्लीज। सर, सर, कबूतर सर। जरा रुको रुको। मेरा सफर ये जहाँ साथ साथ है, करे दिल इशारे रहे पास आजादी, खेले है जान से रिस्क ले कोई, कोई करे प्यार तो करे प्यार ही।
ये क्या बचपना है छोटे बच्चों की तरह। बाप बेटी दोनों एक से बढ़कर एक, कुछ भी कहो नहीं मानेंगे। यस मैम। बर्ड्स के लिए फीड चाहिए। ओके मैम। दीदी हाँ, ये कबूतर मेरे हैं। इन्हें मैं पाल रही हूँ, ये मेरे हैं। नहीं दीदी, इसे मुझसे एक सर ने खरीद कर फ्रीडम कहकर उड़ा दिया। अल्लाह मेहरबान। फ्रीडम, इम्प्रेसिव। तुम्हारा नाम क्या है? शाहरुख। शाहरुख, अगली बार अगर वो सर मिले तो इन कबूतरों की तरफ से उन्हें थैंक्स कहना। ओके, ठीक है दीदी। बेटा इतना चिल्ला क्यों रहा है मुर्गी की तरह? अरे पर दादी, हमारे तो एग्जाम्स होते हैं इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये बताओ, आप किस लिए पढ़ रही हो? छोटू, पर दादी आज नहीं तो कल भगवान के घर जाएंगी, तभी उन्हें भी वहाँ एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। वो उसी की तैयारी कर रही हैं, उन्हें फर्स्ट क्लास जरूर मिलेगा। हाँ। कार्तिक जी डैड, फ्रीडम चाहिए, दुनिया को जानना है। छुट्टी के नाम पर तुम पूरे 6 महीने घूम चुके हो। वो क्या कहते हैं, हाँ, ज्ञान का दीपक अब तक जला कि नहीं? क्या डिसीजन लिया तुमने? एक बुक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ डैड। बुक लिख रहे हो? किस सब्जेक्ट पर? मेरे पास 2-3 आइडियाज हैं, पर अब तक कुछ तय नहीं किया है। देखो, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि तुमने साल भर का टाइम लिया है। इस बीच तुमने राइट डिसीजन नहीं लिया तो फिर मैं डिसाइड करूंगा, फिर मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। से शुरुआत करूं?
पहचाना क्या? याद है आपने उस दिन कबूतरों को छोड़ा था सर? उन्हें बगल वाले घर में एक दीदी पाल रही है, उन्होंने आपको थैंक्स कहने को कहा। ओ, अच्छा, क्या नाम रखा उसने उनका? अगली बार मिलूंगा तब पूछ लूंगा सर। ओके, बाय। बाय सर। लगा था फॉरेन से अगर तू दारू की बोतल खोलेगा, लेकिन तू तो दिल खोल के बैठा हुआ है। और वैसे भी सारे कॉलेज, पब्स, थिएटर और गार्डन सारी जगहों पर ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर कुछ पता नहीं। अरे जिस लड़की की तलाश हम लोग कर रहे हैं उसकी कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, सोशल नेटवर्क में ढूंढने के लिए भी कुछ तो क्लू चाहिए। हाँ हाँ, सही बात है। अगर तुम इसके बारे में कुछ जानते तो बताओ कार्तिक। जब वो चलकर आ रही थी तब मुझे फूलों की आवाज सुनाई दे रही थी दोस्तों। अब समझ में आया, वो लड़की फूल बेचने वाली रही। उसकी हंसी से मेरा दिल बड़े जोरों से धड़कने लगा। उसकी आंखों को देखकर मैं सारी जिंदगी बिता सकता हूँ। अरे उस लड़की को देखकर तो तुझमें कवि जाग उठा है, क्यों ना तू एक अच्छी सी कविता लिख दे। कविता क्या, मैं तो उसके लिए बुक लिखने वाला हूँ। बुक लिखेगा? मेरे लाइफ के इस जर्नी का वही डेस्टिनेशन है। शी इज माई एवरी डे इंस्पिरेशन। मैंने तो फिक्स कर लिया है, मेरी बुक का नाम है एक लैला के लिए। अब ये लैला कौन है? अरे वही कीचड़ वाली लड़की। चुप रहो। अब इसे क्या हुआ, ऐसा मुंह लटका है, मजनू बनकर क्यों खड़ा है? अरे वो इसकी दूरदर्शन प्रॉब्लम है। मतलब इंदु नाम की लड़की से ये दूर से प्यार कर बैठा है। ये जाकर ना अपने प्यार का इजहार कर सकता है और ना ही इसमें इतना दम है। उस लड़की को अपने डैड से बहुत प्यार है, डरता हूँ कि कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे। यार ये भी कोई डरने की बात है, बता वो कहाँ मिलेगी। क्या कहा? अरीना इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रही हूँ। अरे तो मेरे इंस्टीट्यूट में कर लो ना, हम साथ रहेंगे। और वैसे भी वो काफी नजदीक है। वही तो, ये जरा नजदीक है और यहाँ मुझे मेरा सब्जेक्ट मिलेगा। आई थिंक मेरे डैड भी यही सजेस्ट करेंगे। टू मच, तुम इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती हो? मैंने डैड को अभी मैसेज किया है, लेट्स सी। हेलो, सुनिए डैड, मैंने आपको दो इंस्टीट्यूट की डिटेल्स भेजी है, कौन सा ज्वाइन करूँ कंफ्यूजन में हूँ। एक सेकंड बेटा, एरिना इज द बेस्ट। किस लिए तो पूछो? बट व्हाई डैड? फर्स्ट ये नियरबाय है और एरिना में सब्जेक्ट भी मिलने का चांस है। थैंक यू डैडी, बाय। बाय नंदू। दैट्स माय डैड। 20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक लेके सारा दिन यही बैठे रहते हैं। अरे सुन, क्या हुआ? उदिक वहाँ बैठी है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। हाय, आई लव यू। हेलो, कौन हो तुम और ये क्या न्यूसेंस है? ये न्यूसेंस नहीं है, ये लव सेंस है। एक्चुअली कल शाम को मैंने आपको गणेश मंदिर में देखा था, आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रही थी, बालों में गजरा, हाथों में चूड़ियाँ, आप मेरे बगल से निकल कर चली गई। अरे कहीं ये लाइन तो नहीं मार रहा? भरोसा नहीं है। उतना ही नहीं, मेरे दिल के भी टुकड़े हो गए और मुझे प्यार हो गया। सिर्फ 5 मिनट में प्यार हो गया? एक्चुअली प्यार तो एक ही मिनट में हो गया था, सिर्फ दिल से दिमाग तक इन्फॉर्मेशन जाने में थोड़ा वक्त लग गया। ये तो सोच रही है, मान तो नहीं जाएगी। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, आई एम ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। सच में? फेसबुक पर तो मैंने आपकी रिलेशनशिप स्टेटस देखी। हाँ? वहाँ तो सिंगल लिखा हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम कार्तिक। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक। हे, तुम मधु के फ्रेंड हो ना? नहीं नहीं। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? नहीं नहीं, नो वे। कल शाम को आपको देखा तब मेरा जन्म हुआ। ए, मैंने तुम्हें मधु के बर्थडे में देखा था। मधु? कौन मधु? मैं तो बहुत सारे मधु को जानता हूँ। वही जो इंदिरा नगर में रहता है। अच्छा, वो चिपकू मधु। जुबान जरा संभाल कर, मैं उसी मधु से प्यार करती हूँ। ओ अच्छा, इसका मतलब तुम उस मधु से प्यार करती हो। छह, पता नहीं आजकल के लड़कियों को हो क्या गया है, दिखने में खूबसूरत होने के बावजूद बंदर के हाथ फंस जाती हैं। ओके ओके, क्या तुमने ये बात मधु को बताई है? अरे नहीं, अब तक नहीं बताया। सुपर, तुम भी मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगा। तुम्हारा नाम? इंदु। क्या ये उसका नाम भी नहीं जानता, बिना जाने पहचाने प्यार करने आ गया। लड़की किसी और को चाहती है ये जानकर भी? छी। देखो इंदु, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, तुम मेरे साथ 2 महीने वक्त बिताओ, अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो वो मधु नाम का बंदर है ही तुम्हारे लिए। यू मीन डेटिंग? ओ हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। वैसे भी अगर हमें अपनी कंपैटिबिलिटी जाननी है तो इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। सॉरी कार्तिक, मैं मधु से ही प्यार करती हूँ, विल यू प्लीज लीव। चल चल, देखो इंदु,
बुजुर्गों ने कहा है कि चार को देखो, तीन को ट्राई करो, दो के साथ घूमो और किसी एक के साथ सेटल हो जाओ। नॉट अ बिग डील, गिव इट अ शॉट। हाय इंदु। देखो ना मधु, तुम्हारा दोस्त, मैं तुमसे प्यार करती हूँ फिर भी मुझे प्रपोज कर रहा है। अगर प्यार किया है तो डरना क्या। सुनो इंदु, अब मधु से कह भी दो, चलो। आई लव यू मधु। आई लव यू टू। सॉरी इंदु, तुम जैसे म्यूट लवर्स को मिलाने के लिए मुझे इतना बड़ा ड्रामा करना पड़ा। डोंट फील बैड, फाइनली प्यार की जीत हुई। थैंक यू कार्तिक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुपर कार्तिक। थोड़ी देर और रुकते तो पता चलता आगे हुआ क्या। तुझे क्या करना है? वहाँ कोई फिल्म चल रही थी जो तुझे उसका क्लाइमैक्स जानना है। कितना हॉट है ना। आई लाइक हिज गट्स। मैं तो ऑलरेडी उसे दिल अब दे भी चुकी हूँ। हेलो, देखो पहले मैंने ट्राई किया था। दो महीने में तुम्हारी शादी है ना। क्यों, शादी से पहले डेट नहीं कर सकते? जिससे शादी कर रही हो उसे डेट करो। हाँ, ये तो चीटिंग है। आई जस्ट वॉन्ट टू डेट हिम। तुम पागल हो गई हो क्या? वो अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था। सो स्वीट ना। He's a characterless fellow. No baby, मैंने पहले ही उसे FB पर रिक्वेस्ट भेजी थी और 30 मिनट्स हो गए, उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा क्यों किया तुमने? Hey, oh my God, he accepted my request. Oh wow. अरे मजा आ गया। अब तेरे को कहीं अच्छा नहीं लगता। एक बार प्रोग्राम बन जाएगा तो मजा आ जाएगा। पार्टी तो होगी। और क्या? मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। हाँ, जरूर आएगा। हाँ, शाबाश। तुम आओगी? वो मिलना चाहता है। तो मैं उसी लड़के को डेट क्यों करना है? भाड़ में जाओ तुम सब। मुझे दिखाना। इस संसार में कार्तिक से नफरत करने वाला कोई और भी है? और वो मैं हूँ। ए कार्तिक, तेरा खेल तो मैं ही खत्म करूंगा। आज से तेरी बर्बादी शुरू। जब तक मैं तुझे अपने हाथों से मार ना लूं, इस दुनिया को पता कैसे चलेगा मैं कौन हूँ? बहुत बार पूछने की कोशिश की, कौन है ये लड़का सर? जब तक मैं इसे देखता रहूंगा ना, तब तक मेरे अंदर की आग इसके लिए भड़कती रहेगी। 25 साल की दुश्मनी है। तो वैसे इसकी उम्र ही 25 लग रही है। जब से पैदा हुआ तब से मेरा दुश्मन है वो। एक छोटा सा बच्चा आपका क्या बिगाड़ पाएगा भैया? कुछ भी बोल रहे हो। अरे आओ ना चंदू, इतनी देर क्यों लगा दी? आज पहली बार छोटू को देखने आया हूँ ना, इसलिए नए कपड़े खरीदने में मुझे थोड़ी देर हो गई। कार्तिक नाम है, अच्छी तरह से देख लो। मैं तेरा मामा। आजा 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 आजा। दीदी, इसका शरीर गर्म क्यों है? क्या इसे बुखार है? बुखार नहीं है, सुसु किया है। अरे सर, आप यहाँ? आपके जीजाजी तो आपको वहाँ बुला रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ जीजाजी, आपने मुझे बुलाया? उसने सुसु नहीं किया, जरा उठा लेना उसे। उस दिन फंक्शन में तुमने उसे गोद में लिया, उसके बाद आज तक उसने सुसु नहीं किया, जरा ले लेना। हाँ नंदू, तुम इसे जरा पकड़ो, मुझे और भी बहुत काम है, मैं काम खत्म करके आऊंगी। हाँ, उस दिन से मैं उसका डाइपर बन गया। अरे चंदू, ले लो ना इसे। हाँ ठीक है, ये अच्छा हुआ, देख क्या रहे हो, ले लो ना। ये क्या पहना है? बच्चा डर जाएगा, जा चेंज कर गया। जीजा जी को बुलाऊं क्या? जीजा जी से नहीं, हमें आपसे काम है। मुझसे? मेरी एक समस्या है। जनता की बस रक्षा हो काम, अगर कुछ देवा हो हर पल इनकी सेवा हो। मन में तुम्हारी भक्ति हो, मुझसे कोई गर गलती हो, टूट के मुझ पे शक्ति हो। बताओ आपकी क्या परेशानी है? मेरे बच्चे ने 2 दिन से सुसु नहीं किया साहब। मेरे बच्चे ने भी सुसु नहीं की है, उसे गोद में उठा लीजिए ना। अच्छा, शायद सुसु कर दे। भैया, तेरा क्या है? सबका 1 नंबर के लिए, मेरा 2 नंबर के लिए। 2 नंबर के लिए? हाँ। जूता मारूंगा तुझे, चल निकल यहाँ से। आप दुबई इसलिए भागकर आ गए क्योंकि उस लड़के ने आप पर सुसु किया था? बात वो नहीं है। हा? मेरी जिंदगी की बहुत सारी चीजों में उसने उपमा लगा दिया। एक बार मैं चुपचाप शीला की जवानी देख रहा था। मामा जी, मामा जी। क्या बात है बेटा? हटो जरा, मुझे अंदर आना है। अंदर? बहुत बड़ा भूत है। भूत है? मामा जी के कमरे में भूत है। और पास आ जाओ, और पास आ जाओ। ची, 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 ची। अरे चलो चलिए, तुम इन सबको लेकर बाहर जाओ। मम्मी जी चलिए। नंदू,
क्या है ये? वो एक्चुअली मैंने रामलीला की फिल्म मांगी थी, लेकिन उससे मुझे शीला की जवानी पकड़ा दी, तो सोचा इसलिए देख लूँ मैं। इसलिए देख रहे हो? हाँ, आगे बहुत अच्छी सीन, आप भी देख लो। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, दूध नहीं पी रहे हो? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन दूध पीने से शक्ति मिलती है। नहीं, सिगरेट पीने से शक्ति मिलती है। ये किसने कहा तुमसे? इसे पीने से शक्ति मिलती है। नंदू, क्या हुआ जीजा जी? सर की आंखों में खून क्यों सवार है? नहीं नहीं दीदी, नहीं, उससे कुछ भी बात करो हमेशा प्रॉब्लम होती थी। मामा मामा। क्या हुआ बेटा? हम बाहर खेलने जा रहे हैं। हाँ, तो मुझसे क्यों कह रहा है? मैंने सोचा जाने से पहले एक बार आपको बता दूं। हाँ ठीक है, जा। आज तक वो मुझसे बोले बगैर कहीं नहीं गए हैं। मम्मी जी, मुझे घबराहट हो रही है। मुझे पता है बहू, पता नहीं बच्चों ने ऐसा क्यों किया। कार्तिक माँ, दादी, कहाँ गए थे तुम? कहाँ गए थे? ये गांव जाने वाली बस में मिले, पूछा तो बताया घर में बताकर आए। ए, किसको बता कर गए थे? मामा को बोला था। सुनो, तुमसे बोला था? नहीं जी जाजी, इसने तो बोला कि मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, पर ये नहीं कहा था कि गांव जाने वाली बस में चला जाएगा। तुझमें अक्कल है कि नहीं? छोटे बच्चे को इस तरह क्यों छोड़ता है? इस पागल को मैं और नहीं झेल सकता, इसलिए सोचा एक साल के लिए कहीं दूर चला जाऊँ। आप तो एक साल के लिए आए थे, फिर 15 सालों से यहाँ क्यों है? मुझे भी नहीं पता। जब एग्रीमेंट साइन किया तो उस पर सिर्फ 1 साल लिखा हुआ था, पर उस शेख ने एक के बगल में 5 लगा के 15 कर दिया। कोई बात नहीं, अब 3 महीने में मेरा एग्रीमेंट खत्म होने वाला है, उसके बाद मैं इंडिया जाकर। इंडिया जाकर क्या? बताइए बताइए भैया। इतने दिन उसने मुझसे खेला, अब मैं उससे खेलूंगा। दीदी, उस दिन उन कबूतरों को उड़ाने वाले सर मिले थे, मैंने उनको बताया कि आप उन्हें पाल रही हैं। वो पूछ रहे थे उनका नाम क्या रखा है आपने। कबूतरों के नाम? नाइस थॉट। उनसे कहना लैला मजनू। ठीक है दीदी। शाहरुख, मैं तुम्हें अपना फोन नंबर देती हूँ, अगली बार तुम तुम्हारे सर से उनका फोन नंबर ले लेना। ओके ओके दीदी। आप शर्माती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, अगर कम शर्माओगी तो और अच्छा लगेगा। आपका ये ओपननेस मुझे अच्छा लगा। इतने सालों से आप मुझे क्यों नहीं मिले कार्तिक? डेस्टिनी, मेरी 2 महीने बाद शादी है। ओह, कांग्रेट्स। पर मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। व्हाट? उस दिन आप अपनी दोस्त से कह रहे थे 4 को देखो और 3 को ट्राई करो। हे शीला, वो सब एक ड्रामा था। एक्चुअली मेरा दोस्त उस लड़की से प्यार करता है, उन दोनों को मिलाने के लिए मैंने बस एक रिवर्स गेम खेला और कुछ नहीं। I'll never do something like that. Happy Freedom Day. Freedom? Thank you. Happy Independence Day. So sweet. Bye. Happy Freedom Day. Thank you so much. प्यार जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है, और वो भी सिर्फ एक के साथ ही। तुम मेरे साथ 2 महीने बिताना चाहती हो, है ना? 2 महीने नहीं, पूरी जिंदगी बिताऊंगा, पर एक दोस्त की तरह। तुम किसी से प्यार करते हो क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा, पर ये तो उसे भी नहीं पता। खैर मेरी छोड़ो, तुम अपने सुनाओ। हेलो, तुम कहाँ हो? मैं कब से वेट कर रही हूँ, पर तुम हो कहाँ? फर्स्ट फ्लोर पर। लो आ गई। यहाँ हो तुम। शीला कहाँ है? हाँ, उसने जो करना था वो कर लिया है। क्या किया? कल उसने उस लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी ना, आज उससे मिलने गई है। हाँ? चलो दिखाती हूँ। वो रही, देखो। ओके, नाइस पिक्चर। हे जरा नीचे। फेसबुक रिक्वेस्ट पे डेट पे आ गया। छी, स्माइल। देखो दोनों कैसे चिपके हुए हैं, सेल्फी ले रही है। दोनों के दोनों ही बेशरम है। चलो यहाँ से, अब चलो भी। ओह कार्तिक, एक्चुअली मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओह फाइन, श्योर, आई विल लीव नाउ, सी यू, बाय। ओके बाय। एक्सक्यूज मी। अरे शीला फोन कर रही है, क्या कहूँ उससे? उसे कह दो कि हम कहीं बाहर हैं, मेरा तो उसे देखने का भी मन नहीं कर रहा। हेलो, हे कहाँ हो? वो हम कार सर्विस सेंटर में हैं। ओह अच्छा, ओके, तो मैं पार्लर जाकर आती हूँ। ओके बाय। वो कह रही वो पार्लर जा रही है। कहो डूब मरे,
पता नहीं कहाँ गई। हैप्पी फ्रीडम डे। ओ, मैंने तो आपको पहले ही दे हाँ, दिया। आपने पहले ही दे दिया। थैंक यू। बाय बाय। हेलो सर। हे शाहरुख, तुम यहाँ कैसे? सर आपका फोन नंबर चाहिए। फोन नंबर क्यों? जिन कबूतरों को दीदी पाल रही है ना, वो आपका नंबर मांग रही है। और हाँ, उन्होंने उन कबूतरों का नाम लैला मजनू रखा है। लैला मजनू, इंटरेस्टिंग। पर मैं पहले से एक लड़की से प्यार करता हूँ, फोन नंबर की कोई जरूरत नहीं। लैला मजनू को अच्छे से देखने के लिए कहना। ओके सर, बाय सर, सी यू, बाय बाय। दीदी, वो सर आपको नंबर देना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी और से प्यार करते हैं। लव के लिए नंबर नहीं मांगा था, मुझे कोई जरूरत नहीं। अगली बार कह देना उनसे। ऐसे भी लोग हैं, किसी और से पहले से प्यार करता है, इसलिए अपना नंबर नहीं देना चाहता मुझे। He's so nice. लड़की ने तुझे देखा नहीं कि तुझमें इंप्रेस होकर डेट पे चली आती है, बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है यार, तू भी ना अभी भी प्यार ढूंढ रहा है क्या यार? अरे यार, ट्रैफिक। हे हेलो, अपने घर वालों का नंबर बताओ। हेलो हेलो, अपने घर वालों का नंबर बताओ। 99490 1223। अरे ये क्या, लगता है आपने अपना नंबर दे दिया। आई लव यू। अरे कार्तिक, को ऐसे भागा क्यों और ये सब क्या है? कार्तिक, पागल हो गया क्या तू? वो कहाँ चली गई? तू ठीक तो है ना? अरे तुझे हर जगह लड़की दिखाई देती है, पहले हॉस्पिटल चल। सुनिए सुनिए, ये शर्ट आपको जिस लड़की ने दी वो कहाँ गई? जल्दी बताइए वरना मेरी मौत का कारण आप होंगे। ये क्या पागल जैसी बात है? वो वहाँ पढ़ती है और मैं भी वही काम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये सब क्या है कार्तिक, क्या कर रहा है कार्तिक? चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। 48। ए चुन्नी कहाँ है? फैशन जो है इसे नहीं, इसके बाप को सीधा करना होगा, तब जाके सही रास्ते पर आएगी। हाँ, बस इसे ए, ए, ये लो। अरे मेरे सारे बाल खराब कर दिए इस पागल ने। इस लड़के को जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? इस तरह रास्ते के बीच में मुझे आई लव यू कह दिया। आई लव यू। I hate you. क्या कर रहा है कार्तिक? अगर ये पट्टी मेरे बाप ने देख ली तो मेरी खैर नहीं। उनसे बात करके कुछ मैनेज करें क्या? ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, मेरे साथ चलो। विनायक कंस्ट्रक्शन को माल भिजवा दिया? जी हाँ सर, वो आपसे कल आके मीटिंग कर लेंगे। कार्तिक जरा संभल के। कार्तिक, तुम्हारे लिए लेटर। क्या हुआ, तुम्हारे हाथ में चोट कैसी? नहीं मॉम, ज्यादा बड़ी चोट नहीं है, बस छोटी सी चोट है। वो बाइक स्किड हो गई और ये गिर गया। तुम हर वक्त इसके साथ रहते हो लेकिन तुम्हें चोट नहीं लगी? वो क्या है, इस बार मैं साथ में नहीं था ना। पार्टी हो तो सारी रात साथ रहोगे, पर ऐसे मौके पर दूर जाकर छिप जाओगे। कैसे दोस्त हो तुम सब। आंटी, हमारी दोस्ती पर शक मत करना प्लीज। बेटा थोड़ा ध्यान से बाइक चलाया करो। अब जाने दो ना मॉम, मेरी गलती नहीं है, सारी गलती उस कार वाले की है। तुम सबको बाहर भेजना ही टेंशन से कम नहीं है। हे क्या हुआ, देखा तुमने, इसे बुरी तरह से चोट लगी है, डॉक्टर को फोन करो। छोड़िए ना मॉम, छोटी सी चोट है, घबराने की जरूरत नहीं है। दीदी कुछ तो कहो। इतनी बड़ी चोट लगी है, कह रहा है छोटी चोट है। आपने गैस पर कुछ रखा है, पहले वो जाकर देख जाती हूँ। ये लो, चाहिए, ये जल्दी जाइए। पकड़ो। सुनो, अगली बार मेरे बेटे को खरोच आए ना तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी, समझे? कार्तिक तुम संभल कर ड्राइव क्यों नहीं करते? तुम भी ना दीदी, ये सब भी क्या छोटे हैं, असली चोट तो मुझे यहाँ लगी है। सच में
तो बताया क्यों नहीं? डॉक्टर ने क्या कहा? दीदी ये तुम्हें भी उल्लू बना रहा है, इसे तो चोट बहुत पहले ही लगी है। आज उसी लड़की को ट्रैफिक सिग्नल पर देखा और आई लव यू बोलने के लिए दौड़ा था, इतने में कार सामने से आ गई और साहब बाइक पर से गिर पड़े। ट्रैफिक में संभल कर चलाना चाहिए ना। बात वो नहीं है दीदी, उसकी वो प्यारी सी आंखें, उसका क्यूट सा नोज और उसके नाजुक से हाथ, और हाँ दीदी उसकी वो प्यारी बातें। ना मुझे उसके सिवा कुछ दिखाई दिया ना कुछ सुनाई दिया, मैं सिर्फ उसे ही देखता रहा। इतनी अच्छी लगी क्या वो लड़की? स्वर्ग में घूम रही अप्सराएं भी उसके सामने कुछ नहीं। अब इसके आगे और क्या कहूँ? फिर लड़की ने क्या कहा? दूसरी लड़कियों की तरह बिना कुछ कहे चुपचाप चली गई। कुछ नहीं कहा, इसका मतलब उसे मेरा ये प्रपोजल पसंद है। कल से नए टेक्निक से उसे अप्रोच करूंगा। मेरे डैड हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। ओके, दैट्स व्हाई आई एम लकी। या आई नो दैट। क्या हुआ? ये वही लड़का है जिसने मुझे आई लव यू कहा था। कल रास्ते पर प्रपोज किया और आज देखो मेरी क्लास में चला आया। राजू जी मैडम। ब्लू शर्ट में वो लड़का कौन है? बहुत स्मार्ट है ना। शट अप। न्यू एडमिशन है, आज ही जॉइन किया। तुम्हारे लिए नहीं आया होगा। आई एम श्योर मेरे लिए ही आया है। ठीक है, ऐसे समझते हैं, अगर वो तुम्हें बार बार देख रहा होगा ना तो समझ लेना वो तुम्हारे लिए आया है। चलो अंदर चलते हैं। देखा तक नहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सपोर्ट इंट्रिकुलेशन मेथड। इन दिस मेथड वी विल सी हाउ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन द मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पहले कभी देखा नहीं। रेफर टू एज एक्सेप्टेंस सैंपलिंग कैन बी यूज्ड व्हेन अ डिसीजन। नंदू यस सर। तुम किसे देख रही हो? मैं उसे नहीं देख रही हूँ सर। व्हाट? सॉरी सर। हाँ व्हाट हैपेंड नंदू? वो तुम्हें देखता है या नहीं देखता है उससे क्या फर्क पड़ता है? बुद्धू वो एक मैनिपुलेटर है, समझी तू? ये किससे बात कर रही है? पता नहीं। मेरा स्कार्फ वापस करो। आपका स्कार्फ मेरे पास कैसे आया? जब एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने बांधा था, याद है? हाँ याद तो है, पर उस दिन मैंने कुछ और भी कहा था, वो याद नहीं? लुक मिस्टर, आप जैसा समझ रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। ओ माय गॉड, जो मैं सोच रहा हूँ वो आपको कैसे पता चल रहा है? मेरे दिल में और क्या है बताइए। अरे मुझे क्या पता। ठीक है मत बताइए, पर ये तो बताइए मुझे आप बार बार देख क्यों रही हैं? देख रही थी कि आप मुझे देख रहे हैं या नहीं। सो आप ये तो मानती है कि आप मुझे देख रही थी? आपसे ये मैंने कब कहा? आप मुझे बार बार देख रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझ पर लाइन मार रही हैं। अब मैं कंफ्यूज हो गई। देखा आपने कितनी आसानी से हार मान ली, क्यों? देखो। हाँ सॉरी। देखिए आपसे रिलेशनशिप तो दूर की बात है। आप ये चीप ट्रिक्स क्यों प्ले कर रहे हैं ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे सारे रिलेशनशिप्स मेरे डैड डिसाइड करते हैं। ही इज द फाइनल डिसीजन मेकर। वही मेरे फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड हैं। आई डोंट वांट माय स्कार्फ। ये क्या अपनी आंखें छुपाने के लिए काला चश्मा पहन कर? बिल्कुल ठीक नहीं है। स्टाइल है माँ। और ये आओ नंदू, एकदम सही मौके पर आई हो। आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लिए डिजिटल स्वयंवर का इंतजाम किया है। मतलब? मतलब ये बेटा कि तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। पहले राउंड का एलिमिनेशन अभी शुरू हुआ है। आओ तुम भी इसमें से डिसाइड कर लो। आप ही डिसाइड कर लीजिए, मैं क्या देखूं? तुम्हारे मन में कोई है तो बता दो बेटा, हम उसे ओके कर देंगे। हाँ नंदू, तुमसे पूछना ही भूल गए, तुम्हारी पसंद का कोई हो तो बता दो, हमें कोई भी एतराज नहीं है। अब मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? मुझे कोई एतराज नहीं होगा, है ना माँ? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर उसे कोई अच्छा लगता है तो हमें कोई हर्ज नहीं। मुझे भी ओके। मुझे भी ओके। मेरा भी ओके। अच्छा डैड, मेरे मन में तो कोई भी नहीं है। अगर इन प्रोफाइल्स में आपको अपने जैसा कोई लड़का दिखता है
और अगर वो आपको अच्छा लगे तो मुझे भी पसंद आएगा, पर इतने सारे फोटोज देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मॉम मुझे भूख लगी है। हाँ, चलो तुम्हारे लिए रुके हैं, साथ में खाएंगे। और आप? नहीं मुझे भूख नहीं। चलो चलो बच्चों, आज बुआ के साथ हम भी खाएंगे। एनी स्पेशल? बहुत स्पेशल है। क्या बात है, बता बता। जरा एक मिनट रुको, बताता हूँ। थैंक यू। थैंक यू नंदू, सब ले रहे हैं, तुम भी लो। आप भी लीजिए। फ्रेंड्स, इस सेलिब्रेशन का रीजन है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। वो बार बार मुझे घूरती रहती है, इसका मतलब हुआ वो भी मुझसे प्यार करती है। What? वैसे वो लड़की कौन है? क्या वो हमारी क्लास में है? हाँ है। देखो कार्तिक, मैं उस दिन यूं ही देख रही थी, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वो लड़की तुम नहीं हो। अच्छा तो कौन है वो लड़की? उस लड़की का नाम है, उस लड़की Stop it! ये क्लासरूम है, ये स्टॉक मार्केट। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप बीच में क्यों बोल रही हैं? उसे कितना बुरा लग रहा होगा। हाँ मैंने सही कहा ना दोस्तों, है ना? और वैसे अगर आप किसी से प्यार करती हैं तो आप भी बता सकती हैं। आपके बॉयफ्रेंड को बुरा तो नहीं लगेगा? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इसका मतलब किसी ने आपको आज तक प्रपोज भी नहीं किया? ना मुझे किसी ने प्रपोज किया, ना मैंने कभी किसी को किया। 23 years, young, good looking, sensitive, healthy, आप बिल्कुल इनोसेंट लग रही हैं। अगर आपको किसी ने प्रपोज नहीं किया तो आप में कोई प्रॉब्लम है? मुझ में प्रॉब्लम है? आपको किसी ने प्रपोज नहीं किया ना? नहीं। इसका मतलब आप में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। एक बार जरा चेकअप करा लीजिए, फिर अगर कोई प्रपोज करेगा तो आप भी मेरी तरह स्वीट्स बांट कर सेलिब्रेट कर सकती हैं। मुझ में प्रॉब्लम है। हेलो। हेलो श्रीनु, तुमने आज तक मुझे आई लव यू क्यों नहीं कहा? नंदू, तुमने मुझे आज तक आई लव यू क्यों नहीं कहा? एक्चुअली मुझे लेकर तुम्हारी ये ओपिनियन है, मुझे पता ही नहीं था। नंदू, तुम्हें लेकर मेरे कोई ओपिनियन नहीं है, पर तुम्हें प्रपोज करना चाहिए था और मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देती, पर ये सब हुआ क्यों नहीं? ये सब होना चाहिए था ना। ओके, बाद में कॉल करती हूँ। हेलो, तुमने मुझे प्रपोज क्यों नहीं किया? नंदू, रानी को प्रपोज किया, श्रुति को प्रपोज किया, गीता को प्रपोज किया, उन सबसे अच्छी तो दिखने में मैं हूँ ना, फिर मुझे क्यों नहीं प्रपोज किया? तुम ये कहोगी तो मुझे पता ही नहीं था। थैंक्स नंदू, थैंक यू वेरी मच। हाँ मैंने तुम्हें यस कब कहा? अगर तुम प्रपोज करोगे तो मैं रिजेक्ट करने वाली थी। करोगे प्रपोज? क्या? हाँ नंदू, अरे सभी तुम्हें रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। तुम सबके साथ फ्रेंडली रहती हो, तभी तो तुम्हें कोई प्रपोज नहीं करता। और तुम्हें प्रपोज करने वाला देखना कोई खास ही होगा। ओके थैंक यू। उसे फोन करके बताऊं? मैं भी ना। अगर आपको किसी ने प्रपोज नहीं किया तो आप में कोई प्रॉब्लम है? हेलो। मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इसलिए सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और इसका मुझे अभिमान है, समझे तुम? समझ गया। क्या समझ गए? मेरा फोन नंबर सेव करके रखा है, ये समझ गया। तुम अभी मेरे बारे में सोच रही हो, ये समझ गया। जल्दी ही तुम मुझे आई लव यू कहने वाली हो, ये भी समझ गया। नंदू, तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे मन में सिर्फ मैं हूं। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग, बैठो। कैसा चल रहा है हॉलिडे? कूल। कितने दिन बचे? और 2 महीने है ना डैड। उसके बाद कार्तिक, लाइफ में प्लानिंग होनी चाहिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, जो तुम में बिल्कुल नहीं है। यह सच है। तुम्हें जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या डैड, आपने बिना मुझसे पूछे? वो लड़की हम सबको पसंद है और उसी से तुम्हारी शादी होगी। डैड, पर डैड मैं किसी को चाहता हूँ। अगर उसकी फोटो देखनी है तो उसकी फोटो तुम्हारी दीदी के पास है, देख लो। दीदी,
क्या हुआ? लड़की की फोटो दिखाओ तुम्हें। क्या दीदी, तुम भी ना। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। पर वो तुमसे प्यार करती है या नहीं ये पता नहीं है ना। अच्छा, तो मैं किसी और से शादी कर लूँ? मैं ये नहीं करने वाला। ये बात तुम पापा से क्यों नहीं करते? वो कहाँ सुनने वाले हैं, विलन की तरह धमकी देकर चले गए। ठीक है, लेकिन इस लड़की की फोटो तो देख लो, ये भी बहुत अच्छी है, शायद तुम्हारा मन बदल जाए। जरूरी नहीं जो लड़की आपको पसंद है मुझे भी पसंद आए। तो फिर जल्दी से कुछ डिसाइड कर लो, वरना वीकेंड पे लड़की देखने तैयार हो जाओ। नो चांस, मैं अभी जाकर सेटल करके आता हूँ। नंदू, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा, सॉरी। ये कहना था क्या? अब चलती हूँ। लेकिन नंदू, जिस तरह से मैंने तुम्हें अप्रोच किया वो गलत था, पर पहले फोन पे बात कर लो। वन सेकेंड, आई एम वेरी सॉरी, जस्ट वन सेकेंड। हे, क्या हुआ? हे नंदू, चलो क्लास में चलते हैं। अभी नहीं, वो बहुत देर से मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। उसे जो कहना है वो सुनकर ये मैटर हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगी, नहीं तो ये रोज मुझे तंग करेगा। हे, वो चला गया। कैसा लड़का है, मैनर्स ही नहीं है इसे। मैं यहाँ क्लास छोड़कर उसके लिए खड़ी हूँ और वो मुझे बिना बताए चला गया। बताकर भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। हाउ रूड। शट अप। हे कार्तिक, हे जल्दी चलो यहाँ से। लो इसे पकड़ो। अरे नहीं कार्तिक, देख रहे थे कि वो डर तो नहीं गए। चुप कर यार। वैसे ये लोग थे कौन? ये सारे मधु के लिए आए हैं। इंदु और मैं प्यार करते हैं, ये बात उसके डैड को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए। इसलिए क्या, गुंडों को भेजा तुम्हें मारने के लिए? अरे इसीलिए तो वो लोग प्यार के दुश्मन कहलाते हैं। सुनो, क्या इंदु तुम्हारे लिए सब छोड़कर आएगी? एक SMS काफी है। तो फिर कल ही तुम्हारी शादी होगी। पिताजी, इसी ने हम सबको मारा था भाई। अंकल, एक्चुअली मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऑल द बेस्ट। कौन है ये? चंदू मामा है। अब तक तुमने अपनी बेवकूफियां कम नहीं की, बताते तो सही कि मैं आ रहा हूँ। क्या बताऊँ दीदी, आपकी शक्ल देख के लगता है कि आप अब तक बाबा आदम के जमाने में हो। इंटरनेट और फेसबुक नहीं पता क्या? कम से कम पेपर ही पढ़ लिया करो। सर पेपर।
इंडिया में इतनी लेट पेपर आता है, जबकि हमारे दुबई में कल का पेपर आज डाल देते हैं। उसमें क्या लिखा है जरा पढ़ लो, पढ़ के देखो तो। ये सब तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स हैं? इंडिया में कोई दूसरों की पब्लिसिटी नहीं करता, सबको खुद करनी पड़ती है। कौन बस है ये अंकल? अंकल नहीं बेटा, ये दादाजी हैं। दादाजी, दादाजी, शादी नहीं हुई और दादाजी बना दिया। मैं चला अबू धाबी। अंदर आ जाओ चंदू। हाँ। सुनो, चंदू का सामान ऊपर रखवा दो। ठीक है मॉम, पर मॉम ऊपर का कमरा साफ नहीं है। इस रूम में रखवा दो। नया घर अच्छा है। मॉम, ये इतनी भयानक शक्ल वाला इंसान हमारे घर पर क्या कर रहा है? तुम्हारे चंदू मामा हैं। जब तुम छोटे थे तो तुम इनके घर में। ये कौन से गिनीज बुक रिकॉर्ड की बात है? क्या बेटे, मैं बाहर गया तो अपने मामा को ही भूल गया? अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ मामा जी। वैसे आप कहाँ चले गए थे? बचपन में जब मैं आपके लिए रो रहा था तो आप कहीं भाग गए, ऐसा मॉम ने बताया। वो सब छोड़, क्या कर रहा है मामा जी? कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हॉलीडे मना रहे हैं। दुबई में इसे मुफलिस का खोफलिस कहते हैं। मतलब? मतलब बेकारी में घूमना। ऐसी कोई बात नहीं है मामा जी, एक बुक लिख रहे हैं। ये बुक लिख रहा है? बुक लिख के कौन सा इतिहास रच देगा? लफंगा था जिया जी, आपने इसे खुले सांड की तरह क्यों छोड़ दिया? बोल रहा है ये बुक लिख रहा है, आज की जनरेशन कभी नहीं सुधरने वाली है। लगता है पापा गुस्से में। मॉम मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जाना है इस वक्त बेटा? बस ऐसे ही। बाहर जाना है तो यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? जो भी बात कहनी सीधा सीधा बोलना। तुम पहले अपने बकरे जैसी दाढ़ी निकालो, उसके बाद बात करो। ये क्या, शर्मा अंकल के फंक्शन में आने वाले थे ना तुम? मैं नहीं आने वाला, मुझसे ये सब नहीं होगा। क्यों, किसी को टाइम दे रखा है क्या? जीजा जी देखो ये कैसे बिहेव कर रहा है। तुम्हें आना होगा, मैंने वादा किया है हम सब आएंगे। ठीक है डैड। और आपने अपना ब्लेजर कहाँ रखा है? अरे कबर्ड में होगा ना। चलिए चलो बेटा जल्दी तैयार हो जाओ। आज से तुम्हारा काउंटडाउन शुरू, कुछ भी नहीं दिखाई देगा सिवाय मेरे। वेलकम सर। वेलकम मैडम। हाय कार्तिक, कैसे हो? अरे हाय दोस्तों, कैसे हो तुम सब? कार्तिक जरा डिसेंसी से पेश आओ, चिल्ला क्यों रहे? सॉरी डैड, वो मेरे दोस्त हैं, तुम जरा दादाजी के साथ रहो, नहीं तो अपनी बातों से मुझे बोर करेंगे। हाय, कैसे हो? बस ठीक है। कैसे हैं भाभी जी? बिल्कुल ठीक है भाई साहब। कब तक दूसरों की शादियों में जाते रहेंगे? अपने बेटे की शादी के बारे में कुछ सोचिए। अगले संडे हम लड़की देखने जाने वाले हैं। कहाँ? यहीं इसी शहर में। ओ यहीं पर है। कौन है? कृष्णा इंडस्ट्रीज के राम प्रसाद। कृष्णा इंडस्ट्री के राम प्रसाद, मतलब कनेक्ट स्टेशन कंपनी के ओनर। एग्जैक्टली। आप उन्हें पहले से जानते हैं? नहीं, ये रिश्ता मैरिज ब्यूरो से आया है, इसीलिए मिलना चाहते हैं। ओह बहुत ही अच्छा परिवार है। सच में? इनफैक्ट वो भी अपने परिवार के साथ इस रिसेप्शन में आने वाले हैं। तुम्हें मिलवाता हूँ। ए साहब को जरा आराम से बिठाओ। आ जाओ सब। बैठिए भाभी जी। अरे प्रसाद, संडे को तुम्हारे घर जो लड़की देखने आने वाले हैं ना। तुम्हें कैसे पता? अरे वो भी यहाँ आए हुए हैं, चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ओके ओके ओके। वैसे कहना पड़ेगा बहुत ही अच्छा परिवार है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल फैमिली है। हाँ? मैं इन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। सुनो चंद्रकांत, यही है राम प्रसाद जी जिनके बारे में तुमने कहा। नमस्ते, मैं वाइफ। नमस्ते, आइए आप बैठ कर बात करिए, मैं आ रहा हूँ। मेरी बेटी नंदना। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। कार्तिक के लिए इतनी खूबसूरत लड़की, इस रिश्ते को तो बिगाड़ना होगा। कहाँ है वो लड़की? बिल्कुल गुड़िया दिखती है। क्या आपका बेटा नहीं आया? वो यहीं कहीं होगा। बेटा जरा देखो तो मामा कहाँ है? क्या हुआ बेटा, चुप क्यों बैठी हो? डरने की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री रहना। श्योर आंटी, थैंक्स। हेलो आंटी। हेलो। हाय नंदू, चलो अंदर चलते हैं ना, अंदर तुम्हारे कुछ और दोस्त भी इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, जाओ ना। थैंक यू आंटी। चलो चलो, बाय बाय। लगता है शर्मा रही है। हाँ। नंदू एक मिनट रुको, मैं आया। कोई तुम्हें देखने आने वाला है क्या? हेलो। आप कौन? ये मेरी दोस्त है, हम एक दूसरे को जानते हैं, आप जा सकती हैं। बाय बाय, मिलेंगे। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पर लाइन मार रहा हूँ। व्हाट? और क्या, तुम पर लाइन मार रहा हूँ। देखो उस दिन इंस्टीट्यूट में मैं सडनली चला गया, उसका रीजन तुम्हें बताना तो रह गया। प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी वुड बी फैमिली है यहाँ पर। वुड बी? ये बीच में कहाँ से आ गया? जरा मुझसे मिलाओ एक बार, मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं उससे बेटर हूँ। प्लीज, मैं जो कह रही हूँ तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे बाप रे, ये दोनों तो पहले ही मिल लिए। एक बार मिलाओ तो सही, कहाँ है वो? मेरी बात सुनो। एक मिनट मामा जी, सुनो तो। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो ना। जरा एक मिनट रुको मामा जी, मैं। एक बार लड़की क्या देखी, उसे वुड भी बना लिया।
मामा जी आप तो सुपर हो है? अब तक शादी की बात नहीं हुई और वुड भी बीच में आ गया। उसने तुम्हें वुड भी कहा? अरे मुझे नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो कह रही है कोई वुड भी फैमिली से मिल रही है, जरूर ड्रामा कर रही होगी। हाँ हाँ रुको जरा, कहा ना जी बुला रहे, चलो ये शादी तो रुकवानी ही पड़ेगी। आओ कार्तिक, ये है राम प्रसाद जी। हेलो अंकल, फैमिली, नाइस टू मीट यू। शुक्र है बताया नहीं कि शादी का रिश्ता है। बैठो बेटा। हेलो हेलो नंदू, तुम कहाँ हो? यही फ्रेंड्स के साथ। यहाँ तुम्हारा हीरो आया है। अच्छा है ना? एकदम सुपर है। जल्दी आ जाओ। आती हूँ। अगर ये लड़की कार्तिक को मिल गई तो मैं उसकी खुशी नहीं देख पाऊंगा, कुछ तो करना होगा। हेलो, जिस लड़के से तुम बात कर रही थी ना, वो तुम्हें फॉलो कर रहा है। हाँ? वो कार्तिक है जो तुम्हें फॉलो करा, देखो। अगर कार्तिक को मेरी फैमिली ने देख लिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। अभी वहाँ जाना ठीक नहीं। पता नहीं कहाँ गई होगी। कोई वेट कर रहा है क्या? कोई बात नहीं, जाओ तुम। ओके बाय अंकल। तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे थे ना, वो उस तरफ है। कहाँ पर? सच में? ओके। मैंने उसे उसी तरफ देखा था। पर कहाँ? हेलो, लड़की की फैमिली पापा को बहुत अच्छी लगी। सच में? जल्दी आओ। आ रही हूँ। ओके। फ्रेंड से बात कर रही थी, इसी तरफ गई। मामा तुमने ठीक से तो देखा ना। एक काम करो, तुम इस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है ठीक है, जल्दी देखो। आओ बेटा बैठो। फ्रेंड्स चली गई क्या? जल्दी जाओ और मामा को बुलाओ। जाओ ठीक है मम्मी, जाता हूँ। मामा मम्मी हाँ? बुला रही है, चलिए। ठीक है आ रहा हूँ। जरा रुको, हाँ तुम जाओ। देखो भाई, बातें बाद में होती रहेंगी, चलो खाना खा लेते हैं, पहले ही बहुत देर हो गई है। आइए चलो चलो, हम लोग बाद में खाएंगे। कोई बात नहीं, आप प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, बाय। चले हैं तो फिर मिलते हैं। ओके चलिए। उसे जरूर तुम्हें देखकर डाउट आ गया होगा। बहुत अच्छी फैमिली। क्या हुआ, मामा कहाँ हैं? उन्होंने कहा आ रहे हैं। कार्तिक लगता है वो चली गई, तो हम भी चलें क्या? ठीक है चलो चलो। हाँ, मैंने दीदी सुना। आपने बुलाया था? हाँ खाना खाने के लिए। विश करना है ना, सब साथ रहेंगे तो अच्छा है। चलो 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 चलो। कार्तिक का गिरा हुआ चेहरा देख के मेरा पेट पहले ही भर गया। मॉम मॉम कहाँ हो? जल्दी आ रही हूँ, चिल्लाओ मत। जल्दी करो, मुहूर्त निकल जाएगा। कितना टेंशन कर रहे हो? क्या कर रही हो तुम इतनी देर से? ये सब तैयार होके जा कहाँ रहे हैं? लड़की देखने जा रहे हैं। प्यार के लिए लोगों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कुर्बानियाँ तक दे दी, और तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? प्यार करते हो किसी और से और लड़की देखने जा रहे हो कोई और? अच्छा लड़की देखने और मैं? इम्पॉसिबल, मैं नहीं जाने वाला। सही कहा भांजे, बिल्कुल सही जा रहे हो। मैं भी देखता हूँ तुम्हें ऐसे कौन ले जाता है। ए कार्तिक जल्दी चलो। मैं नहीं आऊंगा और नहीं ये आएगा। आपका आना जरूरी नहीं है, लेकिन कार्तिक चाहिए। दीदी मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए उस लड़की को देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार उस लड़की की फोटो तो देख ले। मैंने देख ली है, मुझे पसंद नहीं है। मामा जी पसंद आपको नहीं, उसे आनी चाहिए। ये डिसीजन मेरा नहीं है बच्चे, इसका है। क्यों सही कहा? हे कार्तिक तुमने लड़की की फोटो देखी नहीं है ना, एक बार लड़की की फोटो देख कर कहो कि लड़की पसंद नहीं आई। अगर फोटो देख ली तो गड़बड़ हो जाएगी। सुनो सुनो मैं दिखाता हूँ, ला ला मुझे दो ना। देखो मामा जी कितनी खूबसूरत है, पर यही है कि समझता नहीं है। ये लड़की कैसी है? एवरेज है। देखो तुमने ये लड़की कही थी ना। एवरेज कहा तुमने? ये बहुत खूबसूरत है, हम सभी को बहुत पसंद है। इन सबको ये कैसे पसंद आ गई? मैंने कहा ना ये बिल्कुल एवरेज है दीदी। तुम ये फोटो एक बार दिखाओ या 100 बार, डिसीजन तो वही रहेगा। ठीक है मैं जाकर डैड को कहती हूँ। किसी से भी जाकर कह दो, मेरा डिसीजन यही होगा। ये कभी नहीं सुधरेगा। कार्तिक बिल्कुल सही सोचा तुमने, जब तक तुम्हारे साथ मैं हूँ ना तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कहने वाला। टेंशन मत लो। और मैं कार्तिक तैयार हो गए? हाँ बस हो ही रहा हूँ। ये तो चला गया, मेरे प्लान का क्या होगा? देखो अगर लड़का तुम्हें पसंद आ जाए तो शर्माना मत, तुम्हें देखकर मैं हंसूंगी और तुम मुझे देखकर हंसना, ठीक है? ठीक है अच्छा ठीक है, छोड़ो। हे कम से कम हंसो तो सही।
बच्चों तुम सब बाहर जाकर खेलो। हाँ ठीक है, चलो चलते। कार्तिक लड़की आ गई है, देख लो। नहीं पसंद आई। एक बार लड़की को देख कर तो कहो। मैंने कहा ना नहीं पसंद आई। दीदी मैंने इसी लड़की से प्यार किया है। तो कह दो कि तुम्हें लड़की पसंद नहीं है। क्या तुम भी ना दीदी। बच गया, इसे मुझ पर शक नहीं हुआ। मामा आपने घर पर इसी लड़की की फोटो दिखाई थी। मतलब फोटो में कुछ और दिख रही थी, यहाँ पे कुछ और ही दिख रही। काफी फोटोजेनिक फेस है इसका। मेरी तो लॉटरी लग गई। लड़की को देखो। हाय। लड़के को घर दिखाना बेटा। जाओ। हाय। अपने आप को समझते क्या हो तुम? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? पर इसमें शर्माने की क्या बात है? देखो अनजान मत बनो, मुझसे प्यार व्यार की बेकार की बातें करके तुम यहाँ लड़की देखने आ गए। देखो मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ रहती हो। मैंने सोचा यहाँ आकर फॉर्मली तुम्हें देखकर रिजेक्ट कर दूंगा और चला जाऊंगा। हर लड़की के साथ घूमते हो ना तुम। अरेंज मैरिज जैसी चीज को भी नहीं छोड़ा तुमने। हे एक्चुअली वो तुम्हारा लव एट फर्स्ट साइट कितनी लड़कियों के साथ हुआ है तुम्हें तो याद भी नहीं होगा ना। ये तुम क्या कह रही हो? इतने दिनों से तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे और आज मेरे घर पे पहुँच गए, कैसे इंसान हो तुम? वहाँ क्या चल रहा है देख रहा होगा। इस बारे में हम बात नहीं लगी ना मेरी बात। कॉलेज में टाइम पास के बहाने मेरे पीछे घूमते रहे और अब यहाँ सेंट लगाकर अच्छे से तैयार होकर मेरे घर भी चले आए। ए ऊपर वाले, इन दोनों को दूर ही रखना है। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर बाद अच्छा मुहूर्त है, उसमें रिश्ता पक्का कर दीजिए। हमारा ओके है। हे, तुम ये क्या कह रही हो? हमें पसंद है ना डैड। एक बार भाई से तो पूछ लो। डैड मैं कह रही हूँ ना आपसे, ये कार्तिक की जिंदगी का सवाल है। कार्तिक को लड़की सच में बहुत पसंद है। अगर उसे ओके है तो आपको भी ओके है ना? अगर वो ओके करता है तो आई एम मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। अंकल हमें पसंद है, आपका क्या डिसीजन है? हमें भी बहुत खुशी होगी। तुम एक बार नंदू से पूछ लो। मैं अभी नंदू से पूछ कर आती हूँ। हाँ जाओ। मम्मी जी मैं पूछ कर आती हूँ, आप बैठिए। ठीक है। शादी के पहले ही तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, पता नहीं तुम शादी के बाद कैसी कैसी हरकतें करोगे। विल यू जस्ट शट अप। कब से बकवास बातें किए जा रही हो? शक्ल से जितनी खूबसूरत और क्यूट लगती हो उतनी ही दिमाग से कम हो। क्या कहा तुमने? जो कहना था कह दिया। असल में तुम्हारे जैसे लोग। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम भी मुझे पसंद नहीं हो। नंदू को लड़का पसंद है। अगर हमारी शादी हुई तो मैं दूध में जहर मिलाकर तुम्हें पिला दूंगी। अगर तुम मेरी पत्नी बनी तो वही दूध पीकर मर जाऊंगा। तो फिर जाकर कह दो कि ये रिश्ता तुम्हें मंजूर नहीं है। मैं क्यों बोलूं, तुम जाकर बोलो। डैड को बुरा लगेगा। ओ अच्छा, तुम्हारे डैड को बुरा लगेगा और मेरे डैड क्या नाचेंगे? नो प्रॉब्लम। तुम दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये काम मेरा है। नहीं नहीं बात अरे मुझे छोड़ दो ना, इसे भी पसंद नहीं है तुझे भी पसंद नहीं है तो मैं बात करता हूँ ना। मेरी बात तो सुनो मामा। चुप रहो, तुम्हें पसंद है क्या? बिल्कुल नहीं। सुना तुमने, ना इसे पसंद ना तुम्हें पसंद ना मुझे पसंद, तो तुम दोनों की फैमिली से मैं बात करता हूँ। मामा सुनो तो। आ जाओ मैं सब सेट कर दूंगा। ये क्या कर रहे हो? नंदू नंदू मामा नंदू, चंदू के बच्चे कंट्रोल, मेरा सारा प्लान बिगाड़ रहे हो ना। अभी तो हेल्प कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसे लगा जैसे वक्त थम गया है। उस दिन जब मैंने उसे प्रपोज किया था वही मोमेंट बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, मेरे पापा ने ले देकर नंदू से ही मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी। इसी को कहते हैं मिरेकल। क्या कहा? एंगेजमेंट फिक्स हो गई? मैंने भी नहीं सोचा,
पर डैड ने सडनली ओके कर दिया और उनके डिसीजंस हमेशा बिल्कुल सही होते हैं। मुझे मेरे पापा के डिसीजंस पे हमेशा डाउट था, बट ही इज द अल्टीमेट। फैमिली तो अच्छी है, बस ये लड़का ही टेढ़ा है। वो स्वीट एंड सॉर कॉम्बिनेशन है। इसके केस में मुझे जरा भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। मुझे तो पूरी क्लैरिटी मिल गई है, शी इज माइन। अब तो ये शादी होकर ही रहेगी। किसी भी तरह इस शादी को रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, नंदू मेरी लाइफ से कभी भी माइनस नहीं हो सकती। कार्तिक, मैं भी पार्टी मिस नहीं करना चाहता। पार्टी ठीक है, क्या बात है, ये हुई ना बात। अच्छा सुनो, हमारी एंगेजमेंट की बात किसी से मत करना। हाँ ठीक है, नहीं कहूँगी। मैं नहीं चाहती सबको ये बात पता चले। ओके, ओके। अरे हाँ, मुझे एक्चुअली बात ये है कि सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, हमें भी पता नहीं चला। जो हुआ बहुत अच्छा। हाय नंदू, कांग्रेचुलेशंस नंदू। हे नंदू, मीट माय फ्रेंड्स, दैट्स प्रवीण, शिवा, विजय। मेरी फियांसी थोड़ी ज्यादा शर्मीली है, इसलिए उसकी तरफ से हाय। तुम सबको हमारी शादी में जरूर आना होगा। नंदू, सासूमा और ससुर जी को मेरा नमस्ते कह देना, ठीक है? बाय। नंदू कितनी लकी है ना, जिस लड़के से प्यार हुआ उसी से शादी हो रही है। कितनी गंदी सब्जी है। क्या हुआ, आपको पता है उसने क्लास में आज क्या किया? कौन? वही मॉम, कार्तिक। ओ दामाद जी, ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा क्या किया उसने? वो अपने फ्रेंड्स को लेकर मेरी क्लास में आ गया था। सबको कह रहा था ये मेरी फियांसे है। क्या कह रहा था? अपनी फियांसे कह रहा था। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात कह दी। अच्छा हुआ उसने ये नहीं कहा कि तुम दोनों शादी करने वाले हो। बिना गुस्सा क्यों करती हो? लड़का बहुत अच्छा है, वो तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता होगा। शादी के नाम पे इसकी आंखों में एक अलग सा ही नूर है ना मॉम। सुनो भैया, तुम्हारा फ्रेंड रवि कहाँ है? तुम्हें उससे क्या काम है? कहाँ है? उनके पास पहुँचने पर मेरे कंधों पर हाथ रख के हंसना होगा। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। अरे ज्यादा बोलेगा तो मार खाएगा। हाय, हाय, दिस इज रवि, माय वेरी क्लोज फ्रेंड। इतना क्लोज फ्रेंड है कि हम दोनों साथ मिलकर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी देर हो जाती है तो ये रात को मेरे घर ही रुक जाता है। और इतना ही नहीं, कभी कभी मैं भी इसके घर स्टे करती हूँ। इवनिंग शोज और नाइट शोज देखने तो हम अक्सर चले जाते हैं। बाप रे। रवि, मैंने बताया था ना कुछ दिनों पहले मेरी एंगेजमेंट हुई थी। यही है वो लड़का। इसका नाम क्या था? तुम्हारा नाम क्या है? आप लोग ही बता दीजिए इनका नाम क्या है। इनका नाम कार्तिक है। ओह कार्तिक, भूल गई थी, सॉरी। नाइस नेम। मेरे कंधों पर हाथ रख के बात करो। अरे ये क्या कर रहा है? ओके। इसने तो बड़ा शौक दे दिया यार। ये सब तो नॉर्मल बात है, देख लेना, शादी से पहले वो मुझसे प्यार जरूर करने लगेगी। नमस्ते साहब। आप जाइए सर, मैं देख लूंगा। नमस्ते। 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 कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सुनो चंदू, डिक्की में फलों की टोकरी है, ले आओ। किसकी टोकरी? फलों की टोकरी ले आओ। कोई बात नहीं, हमारे नौकर ले आएंगे। अरे अपना काम है, इसमें शर्म कैसी, ले आएगा, जाओ ले आओ। हाँ ठीक है। ये फलों की टोकरी कहाँ है? कार्तिक अंकल को अपना घर कौन दिखाएगा? जाओ जाओ जाओ, दिखाओ, चलो अंदर देखो ना। आइए, हेलो, आइए ना। ये बुआ का रूम, ये दादा दादी का रूम, ये हमारे मम्मी पापा का रूम, और ये हमारा। ए रुको रुको, यहाँ मत जाओ। क्यों? एक नंबर की डेविल है, हमेशा पढ़ने के लिए कहती रहती है, अगर कोई उसके रूम में जाए तो बहुत चिल्लाती है वो। अब मैं आ गया हूँ ना, देखना अब कुछ नहीं होगा। बच्चों, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। तुम क्यों नहीं गए? जल्दी जाओ। वो गया है ना। मैं दो ग्लास पानी पीऊंगा। चिनू, दो ग्लास पानी लाना। पता है तुम्हारी बुआ ने हमें यहाँ देख लिया तो वो क्या सोचेगी? क्या क्या सोचेगी? वो सोचेगी तुम मुझे इस रूम में ले आए हो। ओ नहीं, तब तो क्लास वर्क भी घर पर ही करा देगी। शी, जल्दी जाता हूँ मैं। देखें तो ये तिल ग्लास पर है या वहाँ पर है?
पता नहीं ये दाग है या तिल है। हे, यहाँ क्या कर रहे हो? नाइस ड्रेस। तुम मेरे कमरे में कैसे घुसे? वो अंकल ने घर देखने के लिए कहा, इसलिए। देख लिया ना? देखा तो नहीं, आई मीन अभी तक पूरा नहीं देखा। कोई जरूरत भी नहीं है, अब निकलो यहाँ से। ओके निकलो। ओके ओके। नंदू, ड्रेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो तिल अभी तक है या अब चला गया? तुम्हें तो मैं एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। हाथों का दो छुरी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। अरे क्रिकेट में चल रहा, कितने सालों से नहीं देखा। तो बेटा कौन खेल रहा? इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ओहो, इंडिया के कितने विकेट गए? इंडिया के 2 विकेट गिरे। हा? पर फिर से लगा दिए। चलो जाओ यहाँ से, वांटेड फिल्म के सलमान का लुक मत दो। चलो जाओ 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 जाओ। इतना सा पिद्दी और तेवर देखा तुम्हारे, चल जा। सुनिए मामा जी, आपके मामा जी कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। अब आप हैंडल करोगे या मैं ही हैंडल करूँ? घर पर क्या हो रहा है, ये जाने बिना सब बिजी हो गए। दरअसल डैड, अगर कुछ हो गया तो इसे संभालेगा कौन? कभी सोचा है तुमने? तुम्हें कितनी बार समझाया लेकिन भेजे में कुछ घुसता ही नहीं। लगता है कार्तिक ने फिर कोई लफड़ा किया है। इस पॉइंट का जॉइंट ढूंढकर उसे फंसाना चाहिए। देख क्या रहे हो, डॉक्टर अंकल को फोन करो। हाँ, ठीक है। जीजा जी को तकलीफ क्यों दे रहे हो? हाँ? जीजा जी, कोई प्रॉब्लम? कोई खास बात नहीं। बोलो ना, 15 साल के बाद दुबई से मैं सिर्फ आपके लिए तो लौट कर आया हूँ और आपके चेहरे पे इतनी परेशानी, बताओ ना क्या बात है? इस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर सकते हो? आप बोलिए तो मैं सब सॉल्व कर दूंगा, बोलिए। दरअसल दो दिनों से, हाँ दो दिनों से हमारे टिंकू ने सूसू नहीं किया है। जाकर उठा लो ना। बस यही प्रॉब्लम थी आपकी? क्या हुआ? मेरे भाई में स्पेशल क्वालिटी है, अगर ये किसी भी बच्चे को उठा ले तो वो सुसु कर देता है। अब अरे चंदू, इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाना जरा। दादाजी मुझे उठाओ। चलो चलो। हाँ चलो। नहीं नहीं, उठाओ। उठाना पड़ेगा। अच्छा बदमाश, तुझे तो मैं देख लूंगा। चलिए ना, खाना तैयार है। आप सब आरती शुरू कीजिए, हम बाद में आ जाते हैं, ठीक है? चलिए आइए आइए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आंटी जी। अरे रवि, अरे 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 कार्तिक, तुम रवि को पहले से जानते हो? जानता हूँ। अरे आंटी, हम दोनों कितने कंबाइंड स्टडीज, इवनिंग शोज, नाइट शोज, न जाने कितना क्या क्या एक साथ करते हैं। रवि तुमने कभी बताया? अरे तुमने बताया नहीं रवि, क्यों? बताओ बताओ। अरे आंटी आपको एक बात पता है, जब तक हम कंधों पर हाथ रख कर बात नहीं करते हमें मजा ही नहीं आता, है ना रवि? बताओ बताओ इन्हें। नंदू मेरी बहन की तरह है जीजू। रवि का जीजू? हाँ जीजू। सच में? ओह, तब तो बताना ही पड़ेगा। किसे? नंदू के भाई और डैड को बताना ही पड़ेगा। नहीं, जान से मार देंगे मुझे। जान से मार देंगे? ठीक है, तो आज से तुम मेरे पेट। क्या बात है, एक प्यारा सा तोता। अगर डॉगी कहूँ तो प्रॉब्लम है? चलेगा। वेरी गुड, डॉगी चलेगा। वेरी गुड। कार्तिक को लेकर आना। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ आंटी। चलो रवि, चलो शर्मा। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा। हाँ दीजिए दीजिए, लो आप भी लीजिए। हाँ जाओ रवि, बैठो बैठो, शर्माओ मत। थैंक यू। बस बस थोड़ा सा यहाँ बैठो बेटा। अरे कोई बात नहीं आंटी, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। इतने अच्छे दोस्त हो। हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। इडियट, आओ बेटा बैठो। कार्तिक, हाँ बैंगन की सब्जी ट्राई करो ना, नंदू ने बनाई है। ओह, वैसे तो मुझे बैंगन के नाम से ही नफरत है, पर अगर नंदू ने बनाई है तो मैं ट्राई करूंगा। देखा मॉम, घर पर ये बिल्कुल खाता नहीं है। रवि मुझे जरा एक केला देना।
क्या टेस्ट है, खाना खाने के बाद फ्रूट खा। अरे वो नहीं, वो नहीं, जो बगल में निशान वाला है ना, वो तिल जैसा। तिल वाला क्यों? निशान वाले केले बहुत स्वीट होते हैं और स्वीट होने के साथ साथ बहुत अच्छे होते हैं, मुझे पसंद है। बैंगन की सब्जी तो अच्छी है पर जरा इस तिल जैसे निशान को देखो, मुझे यही बहुत पसंद है। व्हाट? क्या हुआ? क्या आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? इससे पूछिए, इसने मुझे टेबल के नीचे से लात मारी। आपकी बहू बहुत फास्ट है। नंदू खाना तो खा कर जा। बेटा क्यों भाग रहे हो? रुक जा। बेटे शर्ट उतार कर क्यों घूम रहे हो? ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारे पोते ने एक बच्चे की तरह नहीं, एक हाथी की तरह सुसु किया। सॉरी, अगर आपके पास कोई शर्ट हो तो। बेटा चरण, हाँ। अलमारी से इनको एक शर्ट ला दो। थैंक यू फॉर कमिंग। क्या तैयारी करनी है? बहुत अच्छा। बाय 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 बाय। बहुत अच्छा। बाय बाय। अच्छा बाय बाय। नंदू बाय। मुझे भाई साहब से डिस्टर्ब मत कीजिए। अरे चलो अभी, चलिए बाय बाय। हेलो कार्तिक, हमने इंदु और मधु की शादी करवाई थी ना, उसके पापा ने गुंडों को भेजकर हमारे फ्लैट को तहस नहस कर दिया और उन लोगों ने हमें भी बहुत मारा। कार्तिक तेरा फोटो लेकर तुझे ढूंढ रहे, तू जरा संभल के रहना। ये तुम मुझे कहां ले आए हो? वहां देखिए अंकल, आपकी बेटी कितनी खुश है, आप देख रहे हैं? आपको तो आपकी बेटी की खुशी चाहिए ना, ये मान सम्मान, सोसाइटी, स्टेटस, इज्जत, शोहरत, इन सबको जरा भूल जाइए। जरा देखिए उन दोनों को, आपकी बेटी को वो लड़का पसंद है तो फिर आप विलन क्यों बन रहे हैं अंकल? यहाँ हमें प्यार करने के लिए वक्त नहीं है और आप इतनी नफरत कर रहे हैं। आपकी बेटी से प्यार कीजिए अंकल, नफरत नहीं। कुछ भी हो, अपना मधु तो सेट हो गया। हाँ यार। कैसे? इंदु के चक्कर में उसके डैडी ने मधु को घर के अंदर एंट्री भी दे दी और तो और बिजनेस भी प्लान करने वाले हैं। सच में? क्या मुझे भी ऐसा जैकपॉट मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा यार। कार्तिक क्या हो गया तुझे? सब सेटल हो रहे हैं यार, मैं भी जल्दी नंदू के साथ सेटल होना चाहता हूँ, अब उसके बगैर किसी भी काम में मन नहीं लगता। अरे हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, तेरी शादी में हम लोग ही जोर शोर से नाचेंगे। ओ बोलो ओ बोलो, ऐसे ही नाचने वाले हैं। वो देखो बॉबी की तरह लग रहा है ना। या थैंक यू गर्ल। हाँ वही तो है, ये वाटर टैंकर की तरह था, वाइन जैसा कब से हो गया। हे बॉबी, हाय बॉयज, हाउ आर यू? कौन से बेबी? हे हाय हाय, कैसे हो तुम सब? हाय कार्तिक। हाय बॉबी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या बात है बॉबी, इतना ड्रास्टिक चेंज? मी, यू नो वन थिंग, आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट मोर, गोइंग टू पब, यू नो, सॉरी मेरी भाषा तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। ओके, जल्दी जल्दी इंग्लिश सीख लो, मैं समझाता हूँ। डेटिंग, मैं आजकल डेटिंग कर रहा हूं। बात है डेटिंग, कौन है लड़की, बता दे बता दे। छी छी, लड़की नहीं लड़का। लड़का? चीनू नाम का लड़का मेरे बगल में ही रहता है। चीनू के साथ में? छी छी छी, मैं खा जाऊंगा। छू मत, दूर हट, दूर हट। अरे ये हो क्या गया? दूर रह। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कम ऑन मैन। ओ क्या है ना? नो 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 नो, दूर से, दूर से। इसको तुम सब मुझे देखकर जल रहे हो? जल रहे? मुझे देखकर तुम सब इतना कॉम्प्लेक्स हो गए हो? अगर तुम लोगों ने चीनू की बॉडी देख ली तो तुम सबका क्या होगा? अगर उसके मसल्स देखोगे ना प्रवीण। दूर रहे, दूर रहे, दूर रहे। अरे दूर हट, दूर हट, मुझे मत छू, तू दूर हट, पहले दूर हट। मैं उस टाइप का नहीं हूँ। एक्चुअली कार्तिक, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज दैट, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। बात यह है कि सिटीज में बॉयज बॉयज की डेटिंग करना एक आम बात है, इन्हें कौन समझा है? इसीलिए मैंने अपनी बॉडी कम कर दी है। इसमें बॉडी कैसे कम होती है? एक मिनट, एक मिनट रुको जरा, क्या किया तुमने? बॉडी मसल बना रहा हूँ। अच्छा, डेटिंग तो क्या कर रहे हो? डेटिंग, बॉडी के लिए डेटिंग। उसे डाइटिंग कहते हैं। मैंने भी तो वही कहा, डेटिंग, डेटिंग कहते हैं। मार क्यों रहा है? जब हम लिमिट में खाते हैं उसे डाइटिंग कहते हैं, और जब लड़की के साथ घूमते हैं उसे डेटिंग कहते हैं। वकूफ का था कहीं का, सारा मूड बिगाड़ दिया। चलो दोस्तों चलो। अच्छा ए प्रवीण, क्या बात है बोल। सुनना, वो क्या है ना,
मैं तेरे साथ पर्सनल डेटिंग पे जाना चाहता हूँ। फालतू की बकवास करेगा तो यहीं पे तोड़ के रख दूंगा। आजकल के लड़के भी ना कमाल है यार। ये तू बाद में फोन कर रहा हूँ। इज दिस कार्तिक? या मैं किरण बात कर रहा हूँ। कौन? अरे वही पेरिस, ऑक्स पेरिस बार। अरे बर्गर वाला किरण, याद आया। बताओ इंडिया कब आए? मैं कोई बर्गर नहीं हूँ, यहाँ आकर 2 हफ्ते हो गए। बताओ कब मिलोगे? मैं तो फ्री हूँ, तुम बताओ। कल 3 बजे फूड फेस्टिवल में अपने दोस्तों से भी मिलवाता हूँ। दोस्त कौन है, लड़का या लड़की? लड़की ही है। अच्छा, आकर 2 हफ्ते भी नहीं हुए और लड़की पटा ली? अरे जानते तो हो, फेसबुक में सेटिंग की है, सब ओके है, पर छोटी छोटी टेंशन है। तुम हेल्प कर दोगे तो? डोंट वरी ब्रो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। बचा लिया। सी यू टुमारो, बाय। क्या बात है, ये तो बड़ा फास्ट है। डाइटिंग को डेटिंग बोलो। हे गीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस इसी कॉम्प्लेक्स में है। हे hey, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी दोस्त है। हाय बेबी। 2 हफ्ते में शादी है ना? बहुत खुशी हो रही होगी, मुझे भी हो रही है, और इसलिए मैंने तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है। पिक्चर्स देखना, तुम्हें अच्छी लगेंगी। यू मस्ट अप्रिशिएट माय टैलेंट। कल सुबह चुपचाप मेरे घर पर आ जाना, वरना ये सारी पिक्चर्स इंटरनेट पर होंगी, समझी? फ्रेंड समझकर थोड़ा क्लोज हो गई, पर वो ऐसा करेगा ये पता नहीं था। कहाँ है वो? खोल रहे, आ गई अपनी जाने मन। देख कौन है बे? ए हेलो, ले अंदर का जा रहा। ए इधर देख। ए मन, व्हाट डू यू वांट? कुछ नहीं भाई, गीता के पिक्चर्स तुम्हारे पास है ना, वो दे दो, मैं चला जाऊंगा। ओहो, तो जाने मन ने साले साहब को भेजा है। अब क्या करें, गलत तरीके से फोटो निकालोगे तो ऐसा ही होगा ना। और ना दूं तो? वो तो जल्द ही समझ जाओगे। धमकी दे रहा है। वाह, नाइस। खाना तो या बहुत अच्छा, ये अच्छा है। लग रहा है। बैठिए, इसे मैं फेसबुक में अपलोड करता हूँ। यस, अब देखना कमेंट पे कमेंट आते रहेंगे। I'll get something to eat. Okay. किरण ने नंदू के साथ सेटिंग करने के लिए बुलाया है, ये अच्छा है। फालतू में हाँ बोलकर फंस गया, क्यों कमिट किया मैंने। हाय किरण। हे व्हाट्स अप ब्रो? किरण का दोस्त ये है। हाँ बैठो। ये कहाँ गए? ओके। अच्छा नंदू, ये कार्तिक है। अब इसे धक्का जरूर लगेगा। एक्चुअली हम नमस्ते जी। नमस्ते नंदू, एक सेल्फी। कार्तिक इज द ओनली फ्रेंड इन इंडिया। एक दिन में दोस्ती हो गई। फ्रेंड बोले तो कार्तिक, कार्तिक बोले तो फ्रेंड। रियली किरण, ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं जानती थी ये यहाँ आएगा तो सिर्फ गड़बड़ होगी। ये लड़की को तुम पहले से जानते हो? आई लव हर। मैं प्यार करता हूँ उससे। नहीं, वन साइड लव। नो, टू साइड लव। तुम मुझ पर गुस्सा हो इसलिए ऐसा कह रही हो ना। हेलो, तुम्हारे ऊपर उसको कैसे गुस्सा आएगा? किरण, डोंट लिसन टू हिम। तुम तो उससे शादी करना चाहते हो ना। वहाँ से यहाँ इसीलिए तो आया हूँ मैं। तुम अपने मन की करो, मुझे भी वो पसंद है। पर मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? पर घर के बड़ों को भी मानना होगा, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, तुम्हें मानना होगा। क्या कहा? मुझे मानना होगा? इसकी एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, बताया इसने। हेलो, तुम टॉपिक मत बदलो, इट्स पर्सनल। पर्सनल कह रही है यार? पागल हो, शादी की खबर पर्सनल होती है? लड़कियां तो होती ऐसी हैं, ऊपर से हंसती रहती हैं लेकिन अंदर सारा गुस्सा भरा हुआ रहता है। एक्सक्यूज मी। देखिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैडम, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन? मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं। हाय कार्तिक, तुम यहाँ कैसे? हाय शीला, मैं जरा 2 मिनट पर्सनल मैटर डिस्कस कर रहा हूँ, तुम जरा वहाँ बैठोगी प्लीज? उसी की बात कर रहे हो ना, तो वो यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती? शीला आओ यहाँ बैठो। हे, तुम कुछ बोलो ना। अरे मैं क्या बोलूं यार? पता है शीला, ये तुमसे पहचान दिखाकर तुम्हारी शादी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मतलब किरण शीला से प्यार करता है। कार्तिक कभी ऐसा नहीं करेगा,
मैंने कार्तिक को डेट प्रपोज करने की बात, उसे हग करने की बात, ये सभी बातें किरण को पहले ही बता दी। ओह, लगता है गेम ओवर हो गया। तुम्हें हग करने वाला ये कार्तिक है क्या? हाँ। अच्छा, इसीलिए मना करने को कह रहे हो? तेरी दोस्ती को हाथ जोड़ता हूँ, शादी के बाद मिलता हूँ, चलो यहाँ से। अरे चलो ना, बाय। मुझे लगा कि वो तुमसे प्यार करता है। शीला के साथ मैं कोई डेट पर नहीं गया था। तुम्हें ये चिकन बहुत पसंद है ना, ये लो, ये ऐसा क्यों कर रही हो? वुड बी बता देती तो ये कंफ्यूजन होता ही नहीं ना। मैं क्यों बताऊं? क्या है नंदू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे पसंद नहीं, यही मेरी प्रॉब्लम है। डे वन से तुम्हारी मैनिपुलेशंस देख रही हूँ। मेरी फीलिंग की कोई कदर नहीं तुम्हें। तुम जानते हो तुम मुझे पसंद नहीं, फिर भी इस किस्से को शादी तक ले आए हो। तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसका एक रीजन तो मुझे बताओ। तुम्हें पसंद करने लायक कुछ तो हो। प्यार करने के रीजन नहीं होते, सिर्फ इमोशंस होते हैं, लेकिन ना पसंद करने के रीजन जरूर होने चाहिए। 100 है, लेकिन तुम्हें बताने की मुझे जरूरत नहीं। अच्छा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता उतना ही काफी है। मैं तो बेवकूफ हूँ ना, ये रीजन लॉजिक इनके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। मैंने डैड से तुम्हारे बारे में पहले नहीं बताया, मुझसे बड़ी गलती हो गई, पर देर नहीं हुई, अभी जाकर बताती हूँ। नंदू, नंदू मेरी बात तो सुनो, नंदू प्लीज। ये सीरियल तो मैंने पहले नहीं देखा। मॉम, हाँ? डैड का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, कहाँ है वो? वो ऊपर फ्रेंड्स के साथ है, डिस्टर्ब करने को मना किया है। आज किसी भी हालत में डैड को अपने मन की बात बतानी है। डैड, देखो कितने अच्छे लग रहे हो। यही है मेरा दामाद, मेरी फूल से बच्ची को यही शादी करके ले जाने वाला, यही मेरी तरफ से उसके लिए बेस्ट गिफ्ट है। तुम्हारी तरह लविंग फादर उसकी जिंदगी में आया, नंदू वाकई बहुत लकी है। अरे नंदू कहाँ लकी है, नंदू जैसी लड़की इसके यहाँ पैदा हुई है, इसका लक है। सच है। सच है यार, मैं ही लकी हूँ। इस फेसबुक जनरेशन में मेरी बातों को अहमियत देकर मेरे भरोसे पर एक अनजान आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई। इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताओ। सही कहा। कॉन्ग्रेट्स नंदू। तुम्हारी शादी की बात कर रहा था। लड़का बहुत ही अच्छा है बेटा, तुम्हारे पिताजी ने लाखों में से ढूंढ कर निकाला है, डेफिनेटली ही इज फिट फॉर यू। आपने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया है? ओ, फ्रेंड्स आए हैं ना, जस्ट गोइंग ऑन। कुछ अर्जेंट है क्या? आपसे बात करने का मन कर रहा था। बताओ बेटा। कुछ नहीं, बाय। बाय बेटा। बाय बेटा। नंदू, इस वक्त ये पूछना सही है कि नहीं मैं नहीं जानता, आर यू 100% हैप्पी अबाउट कार्तिक? सुन, तुम्हारी और नंदू की बात हमेशा सही होती है, ऐसा तुम्हीं ने मुझे बताया था। जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वो नंदू के लिए भी बेस्ट होगा ना। मैं भी जानता हूँ। हाँ। पर मैं अपनी बेटी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। सोडा या पानी? कार्तिक तू क्या कर रहा है, ये नीट कैसे पी गया? नंदू मुझे बहुत पसंद है, उसे हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। अरे वो तो खुशी है, उसे क्या हुआ? पर पता नहीं उसे मैं क्यों पसंद नहीं। ये तू क्या बात कर रहा है? नंदू मुझे पसंद नहीं करती, ऐसा अपने डैड से कहने वाली है। क्या, क्या कहा? अब तक वो बता चुकी होगी। कार्तिक, नंदू के फादर का फोन है। हेलो, अगर तुम फ्री हो तो मुझे 2 मिनट बात करनी है। बोलिए अंकल। नंदू ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। कार्तिक सुन रहे हो ना? हाँ अंकल, बताइए। आई एम वेरी हैप्पी कार्तिक। नंदू ने कहा है यू आर द बेस्ट कार्तिक। अंकल, मैं वही बात तुमसे कहना चाहता था, इसलिए इस वक्त फोन किया। बाय, गुड नाइट। ओके बाय अंकल। नंदू ने उसके डैड से कुछ भी नहीं कहा। डैड, अगर आप हैप्पी हैं तो
मैं हमेशा हैप्पी रहूंगी। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? नंदू, हे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। गुड नाइट? इतनी सुबह गुड नाइट किस लिए मॉम? ये गुड नाइट मेरा नहीं है, कल रात कार्तिक ने फोन किया तुम्हें गुड नाइट कहने के लिए। कार्तिक, सॉरी आंटी आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, बोलो बेटा। कुछ नहीं आंटी, नंदू फोन नहीं उठा रही थी तो शायद सो गई होगी, मैं उसे उठा दूं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं आंटी। आंटी आप मेरी तरफ से गुड नाइट कह देंगी उसे? ठीक है। आंटी आंटी अभी उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, कल सुबह बोल दीजिए। ओके। सो स्वीट, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Oh, so nice. वैसे ये गुड मॉर्निंग मेरा नहीं है, कार्तिक ने फोन करके गुड मॉर्निंग बोलने को कहा है। हेलो। मुझे तुमसे मिलना है। श्योर नंदू, एनी टाइम। कहाँ? तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे लिए सही लड़की हूँ? इस बात का मुझे कोई शक नहीं है नंदू। पर जो लड़की तुमसे इतनी नफरत करती है, तुम उससे इतना प्यार कैसे कर सकते हो? मेरा प्यार तुम्हें समझ में नहीं आएगा नंदू, उसे समझने के लिए एक लाइफ टाइम भी कम पड़ेगी। तुम्हें कितना ओवर कॉन्फिडेंस है कार्तिक, लाइफ में सीरियसनेस नहीं है ना? आज की तारीख में लव से ज्यादा सीरियस और क्या हो सकता है नंदू? तुम्हारी फालतू की फिलॉसफी मुझे नहीं चाहिए, पर अगर तुमने कहा कि तुम्हारे प्यार को समझने के लिए एक लाइफ टाइम भी कम पड़ेगा तो मैं डिसएग्री करती हूँ। मैं आज शाम 6 बजे तक तुम्हारे साथ रहूंगी, देखते हैं क्या पता चलता है। वाओ, दैट्स ग्रेट। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है, पर एक शर्त पर। तुम मुझे तुम्हारे पीछे घूमने वाले लड़के की तरह नहीं, तुम्हारे डैड ने सिलेक्ट किए हुए लड़के की तरह ट्रीट करोगी। ओके, नॉट अ बिग डील। ऑसम, ग्रेट, लेट्स गो। मैं तुम्हारी बाइक पे नहीं आऊंगी। ठीक है तो फिर कार। तुम्हारे साथ फोर व्हीलर में भी नहीं बैठूंगी। मर गया कार्तिक। ठीक है नंदू, तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। एक्सक्यूज मी, वन मिनट। डिलीवरी बॉय कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर राइट साइड। थैंक यू। यहाँ लेकर क्यों आए हो? बताता हूँ, मैं बस अभी आया नंदू, वन मिनट। पापा क्या हुआ? लड़का हुआ है बेटा। मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना ही पवित्र है नंदू, पता नहीं था तुम्हें कैसे बताऊं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं। क्या था ये सब? अब मुझे भी फील करना पड़ेगा, कोई और लड़की जरूर इम्प्रेस हो जाती पर मैं नहीं कार्तिक। हेलो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक से खड़े नहीं हो सकते? किससे बात कर रही हो नंदू? तुमसे ही। अरे मैंने क्या किया, तुमने तो कहा तुम्हें टू व्हीलर फोर व्हीलर नहीं चाहिए, इसलिए देखो ये सिक्स व्हीलर है। अब ये तो ठीक है ना? देख लिया तुमने,
ये है नंदना। हाँ? ये नहीं गिरेगी, ये बिल्कुल नहीं गिरेगी। तुम मेरे साथ मत आओ। क्यों? अब क्या हुआ? पब्लिक में कोई ऐसे बिहेव करता है? मैंने क्या किया? ये गुस्सा, ये नफरत, ये द्वेष सब प्यार में बदल जाता है। ए, रुक रुक। भाई यही ना वो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मेरा पीस ऑफ माइंड खत्म हो चुका है। ठीक है, तो फिर चलो मंदिर चलते हैं, तुम्हारा पीस ऑफ माइंड वापस आ जाएगा। इतनी देर में तुमने ये पहली अच्छी बात कही है। चलो। बहन, होने वाले पति के साथ पहली बार मंदिर आई हो, भगवान के लिए फूल तो ले लो। होने वाले पति के साथ? वाह, आप तो सच में सुपर हो। सुपर। उस तरफ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके चरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते महालक्ष्मी। पहले इसे दीजिए। शुभम भवतु। तुम भी लो बेटा। मंदिर में भी शांत नहीं रह सकते? मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो सिर्फ तुम्हारे साथ होता हूँ, मुझे एक्टिंग करने नहीं आती। अब रहने भी दो, वैसे भी 6 बज चुके हैं, मैं चलती हूँ। नंदू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जल्दी कहो। यहाँ कॉइन डालकर अगर कोई मन्नत मांगो तो वो जरूर पूरी हो जाती है। लेकिन ये विश्वास करना या ना करना ये तो अलग बात है, पर ये 6 घंटे जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं नंदू, ये 6 घंटे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। लगता है मैंने जिंदगी में कुछ हासिल कर लिया है, हमेशा तुम्हारे साथ रहने की मन्नत। मैं ये मन्नत मांगती हूँ कि तुम्हारी मन्नत पूरी ना हो। नंदू, अब कभी मुझसे मिलने की कोशिश की ना तो देख लेना। नंदू, हाँ उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। अरे उसने मुझसे पंगा लिया तो और क्या होगा? और क्या? हाँ यस यस यस। क्या रे, ऐसी आंखें दिखाएगा तो डर जाऊंगा। हाँ एक सेकंड देना। सुनो, मेरे मामा तुम्हें पहचानते हैं क्या? नहीं यार, कभी देखा नहीं। ठीक है, एक काम करना। ये लो, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है फिर भी सिग्नल तोड़ रहे हो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, क्या है जी वो? अरे बताओ ना क्या है। चंदू भैया। हाय, एकदम सुपर्ब है, जैसा कहा वैसे ही करूंगा। क्या कहा उसने जो करने वाले हो? वो भी नहीं बोल रहा है, तुम भी नहीं बता रहे हो। इसने इसे क्यों मारा? नाक तोड़ डाली उसने। आ रहा हूँ चंदू भाई। ये मेरे पास क्यों आ रहा? मुझे क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो उसे, पकड़ो जल्दी से। वो ऐसा ही कुछ भी पूछे बताना मत। क्या? सब अपने प्लान के हिसाब से हुआ है। सुन, नमस्ते साहब। कौन था रे वो? वो कौन था मुझे नहीं पता। तेरा नाम क्या है? चंदू। तेरा नाम वो जानता है?
लेकिन तू उसका नाम नहीं जानता? हाँ नहीं जानता। और मैं तेरी बात मान लूँ? कभी कभी पता होते हुए भी भूलना पड़ता है। अच्छा हाँ। चल अब जल्दी से बोल दे बेटा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सर मुझे सच में नहीं पता था वो कौन था। अगर तुझे पता नहीं है कि वो कौन था तो दूर से तू इस तरह हाथ क्यों हिला रहा था उल्लू के पट्टे? उसने मुझे दूर से हाथ दिखाया, मुझे लगा शायद वो मुझे जानता है तो मैंने भी हाथ दिखा दिया कि हाँ। अरे सर ये इतनी बात है। ठीक है दूर से तूने हाथ हिला दिया, लेकिन पास आकर क्या बोला उसने? उसने कहा कि ऐसा ही पूछे तो कुछ बोलना मत। मैं भी किसी से नहीं बोलूंगा जो तू मुझे बोलेगा, चल जल्दी से बोल दे। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर ऐसा ही कुछ पूछे तो बताना मत, यही कहा था सर। वो तुझे इतना अच्छा लगता है, चल मेरे लिए बता दे। तुम्हारे बाप की कसम खा के कहता हूँ ऐसा को कुछ मत बताना, बस यही कहा था। अब अपनी माँ की कसम खाकर बोल जो उसने तुझसे बोला था। तुम्हारे बाप की कसम ऐसा को कुछ मत बताना, बस यही कहा था उसने। अरे प्रभु ये क्या है सर, डंडा किस लिए? ऐसा ऐसे मजाक कर रहा है, पुलिस को बेवकूफ समझता है? ऐसी क्यों मार रहे हो सर, कसाई की तरह मार रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मुझ पर गुस्सा आ रहा है। मारोगे तो गुस्सा आएगा ही ना, ऊपर से कपड़े उतार के मार रहे हो। अरे उसने मेरे कान में बस इतना ही कहा कि ऐसा ही कुछ पूछे तो बताना मत, बस इतनी सी बात कही थी उसने मुझे। मैं जाऊँ सर? चल भाग जा। मेरे कपड़े, इसके कपड़े ला कर दे दो। थैंक यू सर। ये क्या बज रहा है? सर ये मेरा सेल फोन बज रहा है। किसका फोन है? पता नहीं सर, ये कोई अननोन नंबर है। फोन उठा, स्पीकर ऑन कर। हाँ ऑन करता हूँ सर। उससे बात कर। हेलो भाई, आपको छोड़ दिया क्या? बस अभी छोड़ ही रहे हैं मुझे। बहुत मारा क्या? इतना ज्यादा नहीं मारा, बस लाइटली मारा है। मैंने जो कहा था वो एसआई को नहीं बताया है? तुमने क्या कहा था? भाई माँ कसम, आपने जैसा कहा उस एसआई को गोल चौकी पर जिंदा गाड़ देंगे। अरे नहीं आप टेंशन मत लो। क्या बोल रहा तू? करके रहेंगे। क्यों रे, गोल चौकी में वो मुझे जिंदा गाड़ देगा? इसके कपड़े ले लो। सर मेरा यकीन कीजिए, वो कौन है मैं नहीं जानता। सर 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 मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? हाँ। अगर तुझे छोड़ दिया हाँ। तो वो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे उसका पता लगाना है। इसे ले जाओ और पुलिस स्टेशन का हर काम करवाओ। सर 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 अच्छे थे। अरे कार्तिक यहाँ क्यों लाया है? मैंने जो बुक लिखी है वो यहाँ दी है। ओह सच में? आज इन्होंने बुलाया है। ओह सुपर। हाय आई एम कार्तिक। जी बोलिए। लास्ट वीक मैंने एक बुक दी थी, मुझे आज बुलाया है। प्लीज आप बैठिए। ओके। घूरना बंद कर कार्तिक, रिसेप्शन में हमेशा लड़कियों को क्यों रखते हैं? ताकि तुम्हारे जैसे लोग बार बार यहाँ आए। उम्मीद है मेरा बुक इन्हें पसंद आएगा। अरे क्यों नहीं पसंद आएगा? एक्सक्यूज मी सर, आपको अंदर बुलाया है। मैं सेट। ये आपने क्या लिखा है? क्या ये ऑटोबायोग्राफी है या नेशनल ज्योग्राफी? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब ज्यादातर मेरी जर्नीज और मेरा एक्सपीरियंस इसके। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, सेंसेशनल। मैंने पढ़ा है, अच्छा लगा। क्लाइमेक्स कितना अच्छा था। लास्ट में लड़का लड़की मिलते हैं क्या? वो अभी तक सोचा नहीं है। सोचो भैया, वी कैन गो फॉर अ सीक्वल, हैरी पॉटर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह। फर्स्ट क्लास, इट विल बी पब्लिश्ड। आपको एक कॉपी भेज दूंगा, डील क्लोज। दरअसल समझ गया, आपके लिए ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी नहीं रखेंगे, समर स्पेशल है तो सिर्फ आपके लिए कलर कॉपीज रखेंगे, वो भी दो। नहीं एक्चुअली मैं रेमुनरेशन की बात कर रहा था। आप रुक जाओ जरा, आजकल के वीडियो के जमाने में ये बुक पब्लिश करना और उसके ऊपर से ये सेल्स को भी देखना। आई एम पब्लिशिंग योर बुक एंड यू आर आस्किंग फॉर रेमुनरेशन। मैं पैसे मांग रहा हूँ अपनी बुक पब्लिश करने के लिए, दारू पीने के लिए नहीं। मैं जानना चाहता हूँ मेरी राइटिंग वैल्यू क्या है। मैं अभी तक कमर्शियल नहीं हुआ हूँ सर। पर मैं कमर्शियल हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है तुम्हें वो राइटर वाली बात है। राइटर्स के वर्ल्ड में तुम बहुत आगे तक जाओगे। चलो एक काम करें, तुम अपकमिंग राइटर हो, तुम्हारी अगली बुक भी मैं पब्लिश करूंगा, जितना मांगोगे उतना दूंगा। अगर डील मंजूर हो तो इस एग्रीमेंट पर साइन कर देना, डील क्लोज। ये क्या भैया, बिना देखे अग्रीमेंट पर साइन कर दिया? मैंने अग्रीमेंट पर 50,000 लिखा था, एटलीस्ट यू शुड निगोशिएट। नो मैं इंसानों की अहमियत रखता हूँ, कागजों की नहीं। थैंक यू सर। इतनी मेहनत करके सिर्फ 25,000 रुपए? डैड से कहता तो कम से कम 50,000 रुपए दे देते पार्टी करने के लिए। हे, मैंने आज तक पापा से पैसे लिए हैं मेरे सारे खर्चों के लिए, पर ये मेरी पहली कमाई है, इससे मैं नंदू के लिए गिफ्ट लूंगा। शी इज रियली स्पेशल टू मी। क्या खरीदेगा? हाय। अरे सरप्राइज। हाय कार्तिक। हाय अंकल। हाय हाय।
गुड नाइट कहने आए हो? नहीं आंटी, एक्चुअली मैं नंदू के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। फिर से शुरू हो गया, गिफ्ट लाए? हाँ। क्या है इस बॉक्स में? आंटी बताना थोड़ा मुश्किल है, पर दिखा जरूर सकता हूँ। ऊपर टेरेस पर चलें? अच्छा नंदू तुम भी चलो ना प्लीज। चलो चलो सब चलो। नंदू तुम भी चलो। कौन सा सरप्राइज है, क्या गिफ्ट लाए हो बेटा? एक मिनट आंटी। इस यूनिवर्स में कुछ बिलियन स्टार्स और ग्रह हैं, पर उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनके नाम हैं। मैंने इंटरनेशनल स्टार एजेंसी फोन करके उनमें से एक स्टार का नाम रखा है। सच में कौन सा स्टार है वो? पर इतने स्टार्स में से कैसे देखेगा वो? वही बता रहा हूँ। जरा उस स्टार को देखिए। इस दुनिया में अंधेरा होने से पहले सबसे पहला स्टार वही उभरता है। आज से उस स्टार का नाम है नंदना। सुपर। ये देखिए आंटी, उस स्टार को नंदना का नाम देने पर उस स्टार एजेंसी ने दिया हुआ सर्टिफिकेट। आज से उस स्टार का नाम नंदना है। क्या बात है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू। बहुत प्यारा गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच। इसकी ट्रिक्स का कोई एंड ही नहीं है। देखो देखो, देखो। मेरी पूरी फैमिली को मैनिपुलेट कर लिया है। मैं नीचे जा रही हूँ। मैंने कहा मैं नीचे जा रही हूँ। तुम यहाँ आ जाओ, मुझे देखने दो। कितना प्यारा, देखो ना। हेलो प्रसाद। हे नंदू, तुमने बताया नहीं मेरा गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा। इसमें बताने जैसा क्या है? दिन में दिखता नहीं, हाथों से छू नहीं सकते और साथ में लेकर जा नहीं सकते। कमाल का गिफ्ट दिया है तुमने। पर वो हमेशा हमारे साथ रह जाता है, हमारे जाने के बाद भी। जाने के बाद? और तुम्हें अपने आज की कोई फिक्र नहीं है? मुझे तो ऐसे ही प्यार करने आता है नंदू। ये देखो तुम्हारा स्टार सर्टिफिकेट, देखो तो सही। दो दिन बाद हमारी शादी है। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से तुमसे प्यार कर रहा हूँ। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। प्लीज ट्रस्ट मी नंदू। तुम झूठ बोल रहे हो। आई डोंट केयर। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? प्यार का मतलब क्या पता भी है तुम्हें? तुम्हें प्यार करना आता ही नहीं है, तुम्हें मेरे प्यार का अंदाजा भी नहीं है। मैं तुम्हें वहां देख रहा हूँ नंदू, तुम्हारी नफरत को नजरअंदाज करके मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, इसलिए ये रिश्ता अब तक है। मुझसे नफरत करती हो तो घर वालों से कहती क्यों नहीं? उन्हें मायूस नहीं देख सकती। अब तुम्हारे हाथों में और मेरे हाथों में कुछ नहीं है। आई लव यू फॉर एवर एंड एवर नंदू। तुम चाहे हाँ कहो या ना कहो, मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। शादी के मंडप पे मिलते हैं नंदू। बाय। ये कार्तिक तुम्हें पसंद नहीं आता नंदू। अब मैं क्या करूं जिससे तुम मुझे पसंद करोगी? I love you, नंदू। अबे ये यहां क्या कर रहा है? इसके साथ तो अपना पुराना हिसाब किताब बाकी है। चल रहे। ए! कैसा है रे हीरो? देखो मैं अभी दूसरे टेंशन में हूँ, यहाँ से निकल जाओ। ए, तो बहाने दे रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ यहाँ से निकल जाओ। ओके। हाय, उसके मोबाइल में जो लड़की है उसका
सॉलिड है क्या? क्या है? उड़ना नहीं चाहिए। चलने दीजिए। इसे देखिए, दिखाना सरा, ये बहुत अच्छी है। सच में बहुत अच्छी है। ये वाली भी अच्छी लग रही है। हाँ, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। भाभी, ये कैसी है? ये कैसी लग रही है? ये बहुत अच्छी लग रही है ना? हाँ, इस पर हाँ, ये वाली अच्छी लगेगी। इस कार्ड का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा है ना? क्या हुआ? हाँ माँ पत्नी, नंदू स्माइल मेरी बेटी। थैंक यू सर। अगर लड़की भी उसे प्यार करती तो अच्छा होता। चलो आओ, जल्दी आओ। ये लो, बहुत क्यूट लग रही हो। वेट वेट, मुझे फोटो खींचने दो। ओके। नंदू, नंदू, तुम्हारा फोन। हुँ? कार्तिक है। ओ, 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 अरे फोन क्यों फेंक दिया? एकदम पागल है। नंदू, नंदू, मतलब जाने से पहले तैयार होनी चाहिए। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित्त जंबू फलचारु भक्षणम। अरे पुलिस वाले यहाँ हैं और यहाँ पर किस लिए? आप लोग यहाँ? हमें देख के तुम्हारे होश क्यों उड़ गए हैं? इंस्पेक्टर साहब, बात करने आए हैं मर्डर केस। इंस्पेक्टर, शायद आपको गलत फहमी हुई है। कमिश्नर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बात करवाऊं क्या उनसे? कल रात आपके बेटे ने जोजो नाम के आदमी की पिटाई की और आज सुबह वो हॉस्पिटल में मर गया। मर गया? मरते वक्त उसने स्टेटमेंट दी है और उसमें तुम्हें अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। कार्तिक मर्डर कैसे कर सकता है? ये क्या मामला है कार्तिक? डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। सर आप जरा मेरे साथ आइए प्लीज, 2 मिनट्स प्लीज। तुम लोग यहाँ हो और कार्तिक को अरेस्ट करने के लिए बाहर पुलिस आई है। दरअसल वो अनजाने में हुआ था सर, मैंने सोचा नहीं था कि वो मर जाएगा। आप चाहे जितने सेक्शंस लगा लीजिए सर, बस आधे घंटे के लिए रुक जाइए प्लीज।
बाकी की बातें मेरे लॉयर आकर आपसे करेंगे। प्लीज सर, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज सर, हेल्प मी आउट। नंदू सर, अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं जेल में रहूं या बाहर रहूं, सब एक ही है सर। नंदू, डैड कुछ कीजिए, डैड प्लीज पैसे देकर कुछ मैनेज कीजिए, डैड मेरे लिए एक फेवर प्लीज डैड। ये क्या किया? मॉम आप ही डैड को समझाइए ना, वो आपकी बात मानेंगे, मेरी कोई गलती नहीं है। डैड तुझ में तो पहले से ही अकल नहीं है, क्या किया तूने? कम से कम उस लड़की के बारे में तो सोचा होता है। इंस्पेक्टर इसे यहाँ से ले जाइए, मैं बेल भी नहीं करवाऊंगा। पर डैड कोई संबंध नहीं है इससे, इसने जो किया है यही भुगते। मुझे पहले ही पता था ये लड़का ठीक नहीं है। शुक्र है मेरे घर वालों की आंखें खुल गई। नंदू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने नहीं सोचा था कि वो मर जाएगा। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। अब तो तुम खुश होना। ये क्या कार्तिक, मैं हमेशा मेरी बेटी के प्यार के खिलाफ ही था, पर तुमने उन दोनों की शादी करवाई और आज जिस प्यार करने वाली लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है उसे मेरे ही हाथों से तुड़वा दिया। प्यार का क्या है अंकल, आजकल तो लोग ईमेल पर भी प्यार कर लेते हैं, अपनों की खुशी ज्यादा मायने रखती है। मेरे लिए तू बनी, तेरे लिए हम बने, तो किस तरह तुझे जाऊं मैं भूल। तेरा मेरा संगम ऐसा है ये बंधन, जैसे की शाखों में फूल। तुझसे मुझे प्यार हुआ, प्यार ये क्या क्या करे, रातों में दिल तड़पा करे, दिन में बहका करे, घर में सुकून बहार करार। ये क्या है सिले, होने वाली थी खुशी, गम में वो बदली, छटे हुए थे बादल आ गई। दीदी कहाँ है? ऊपर कमरे में है। मैंने सोचा मैं ये बुक उसको दूं जिससे मैं प्यार करता हूँ। खैर अब ये बुक तुम उस बर्ड वाली मैडम को देना। ठीक है सर, बाय। दीदी कबूतर उड़ाने वाले सर ने आपको ये बुक देने के लिए कहा है। हाय लैला मजनू। बाय दीदी। इस बुक का हर पन्ना कोई पेज नहीं है, ये मेरी और नंदू की यादें हैं। ये कहानी है मेरी और नंदू की। मेरी और नंदू की पहली उस मुलाकात से मैं शुरू करता हूँ। उसकी पहली झलक से ही मुझे उससे प्यार हो गया और हमारी ये किताब शुरू हो गई। आजादी की उड़ान भरते वक्त मैंने समझा मेरी जिंदगी की आखिरी उड़ान वही है। इंडिपेंडेंस डे पर मैंने उसे दोबारा देखा। उस दिन नंदू को भी पता नहीं था, उस नन्ही लड़की के गाल पर उसके होठों से पहला किस। मेरे लिए सारी दुनिया प्यार में डूब गई। किस्मत का खेल ऐसा रहा
कि आखिर हम मिल ही गए और हमारा रिश्ता तय हो गया। हम दोनों के बीच सिर्फ लड़कपन रहा। नंदू, सासुमा और ससुर जी को मेरा नमस्ते कहना मत भूलना, ठीक है? प्यार करने का सही मतलब है कि प्यार करने की पूरी आजादी को हासिल करना। नंदू को आजादी सिर्फ मेरे प्यार में ही मिल सकती है। अगर मेरा जीना है तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए है नंदू, नहीं तो इस प्यार का कोई मतलब नहीं। मुझे तो ऐसे ही प्यार करना आता है। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं सिर्फ मैं ही होता हूँ। मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। आई लव यू फॉर एवर एंड एवर नंदू। तुम हाँ कहो या ना कहो, मैं तुमसे प्यार करता ही रहूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? डैड, मुझे कार्तिक चाहिए। कार्तिक, एक्चुअली मेरे दोस्त ने बेल अरेंज की। कोई बात नहीं, तुम बाहर तो आ गए ना, चलो चलते हैं। क्या अंकल? नंदू से शादी करने के लिए। अंकल, मुझ पर मर्डर केस है। अंकल, मर्डर करने वाला आपकी बेटी का पति कैसे? कोई कुछ भी सोचे, तुम हमें बहुत पसंद आ गए हो कार्तिक, चलो चलते हैं। मैं चाहता हूँ अंकल, आप एक बार मेरे पापा से बात कर लें। वो पहले ही मुझ पर गुस्सा है और वो शादी के लिए तैयार भी नहीं है। वो नहीं मानेंगे। असल में ऐसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने तुम्हारे पापा से बात की, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। ये लो, वो आ गए। आइए। कार्तिक टेंशन में था कि आप शादी के लिए नहीं मानेंगे। डैड, एक्चुअली वो सॉरी बेटा, गुस्से में हाथ उठ गया। तुम्हारे कहने पे मैनेज कर लेता तो अच्छा होता, पर कोई बात नहीं, तेरी शादी नंदू से ही होगी, घर चल। डैड, मुझे लगता है नंदू के लिए मैं सूटेबल हूँ ही नहीं। ये क्या कह रहा है तू? तो नंदू से ही शादी करना चाहता था ना बेटा। तुम तो नंदू से प्यार करते थे। प्यार नहीं अंकल, दूर से देखकर मुझे वो अच्छी लगी थी, पर पास जाकर समझा कि वो मेरे लिए बनी ही नहीं है। क्यों? क्या मेरी बेटी में कोई बैड क्वालिटीज है? आप ये क्या कह रहे हैं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। नंदू तो बहुत अच्छी है, सारी बैड क्वालिटीज तो मुझ में है। असल में नंदू में जो क्वालिटीज है वो मुझ में है ही नहीं। मैं उसकी हर छोटी बात पर इरिटेट होता रहता हूँ। ऐसे में ना वो खुश रहेगी ना मैं खुश रहूंगा, और हम दोनों सफर होते रहेंगे। अंकल, मेरे जैसा लड़का नंदू के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं कार्तिक, तुमसे शादी के बाद नंदू सब एडजस्ट कर लेगी, हम सब तो है ही ना। आप ये क्या कह रहे हैं अंकल, आपको कब से समझा रहा हूँ, आप मेरी बात समझते ही नहीं। नंदू मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। छह, वो कभी मेरे साथ खुश नहीं रह सकती, प्लीज। वो मुझे पसंद नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। अब चीजें बदल गई हैं कार्तिक। नंदू, नंदू, ये हम दोनों को शादी करने को कह रहे हैं, एटलीस्ट तुम तो कहो। ये शादी नहीं हो सकती। मुझसे शादी कर लो कार्तिक। प्लीज मुझसे शादी कर लो कार्तिक। नंदू, क्या है ये? याद है तुम्हें ट्रैफिक सिग्नल से भागकर जब तुम मुझे प्रपोज करने के लिए आए थे? मुझे आज तक उस बारे में पता नहीं था कार्तिक। जब तुमने कहा कि तुम मुझे हमेशा खुश देखना चाहते हो, मैं तब भी समझ नहीं पाई कि तुम्हारा प्यार कितना गहरा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुशी के लिए तुम मुझसे अलग होने को तैयार हो जाओगे। ये क्या किया तुमने? और इस वक्त भी तो तुम मेरी खुशी के लिए खुद हारने को तैयार हो। तुम्हारे बिना मैं कहीं भी खुश नहीं रह पाऊंगी कार्तिक। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। आई लव यू। बेटे, मॉडल की एक्टिंग सिर्फ तुम ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। सॉरी डैड,
तुम्हारी सोच कितनी मैच्योर है मैं पता नहीं। थैंक यू डैड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अब तो तुम्हें नंदू से शादी करने में इतराज नहीं है ना? आंटी, हम लोग शादी की तैयारियां करते हैं। ओके अंकल, तुम दोनों बातें करो, ठीक है? चलो चलते। No, I'm really happy, Kartik. तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट लाया। अच्छा, दिखाओ तो। पहले आंखें बंद करो। नो 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 वे। प्लीज कम ऑन। ओके 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 ठीक है। आंखें खोलना मत। ओके। नंदू कहाँ हो तुम? वेट वेट, आई एम कमिंग। रेडी? 1 2 3 नाउ ओपन। वाओ, रियली क्यूट। ये उड़ क्यों नहीं रहे? तुमने इन्हें फ्रीडम जो दे दी है इसलिए। ये है लैला मजनू। वो बर्ड्स वाली लड़की तुम ही हो? आई कांट बिलीव दिस। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं कैसे बताती, मेरे कमरे में तुमने नहीं देखा? मतलब ये तुम्हारे कमरे में ही थे? ऑफ कोर्स, पर मुझे तो नहीं दिखे। तुम्हारा सारा ध्यान मेरी फोटोज पर जो था। तू चली आँखों में आचली, मन चली मन में तू आवसी, मीठी है होठों पे सांसें, ओ मीठ मीठ बातों में सोनी सोनी राहों में बस तो कोई जादू दिखे, गुलशन की तू है कोई कली या हो गगन का सितारा, टूबा चाहे दिल है आंखों में तेरी, तू चली डूबा डूबा चाहे दिल है आंखों में तेरी, तू चली।